गुड इवनिंग ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन. आज के हमारे गेस्ट ऑन दिस सैटरडे समवन जिनका जिनका स्पेशल नेम है उड़न परी. वो हिमाचल प्रदेश की है. शी इज द फर्स्ट फीमेल एथलीट फ्रॉम हिमाचल टू विन अ मेडल इन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स गेम्स. फर्स्ट एथलीट टू बैग टू गोल्ड मेडल्स इन नेशनल चैंपियनशिप रिप्रेजेंटिंग हिमाचल प्रदेश. फर्स्ट इंटरनेशनल मेडलिस्ट from Himachal Pradesh to represent India in Asian Games. She is a Asian Games medalist. She is also the first Arjun Awardee winner, the female Arjun Awardee winner from Himachal Pradesh. And she is not only a middle distance runner, she can run any distance, also middle and long distance runner. Very few people can do it. It gives me great pride and pleasure to introduce aaj ke hamare guest, भारत की शान, हिमाचल प्रदेश की शान, सुमन रावत जी. नमस्ते. नमस्ते जी. नमस्कार. कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक है. आप सुनाए, आप ठीक हैं? ठीक है. थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया. चलो वेलकम. ये तो आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप तो, क्योंकि सभी एथलीट्स को हाईलाइट कर रहे हैं आप और उनकी जीवनी से बच्चों को, शायद हो सकता आने वाले बच्चे इनमें से कुछ ना कुछ जो जरूर सीखेंगे. I am sure. तो कैसा है मौसम शिमला में अभी? शिमला में काफी ठीक है अभी तो, मतलब ठंड भी है, हल्की हल्की है ठंड, लेकिन वैसी आपके बैंगलोर और बॉम्बे की तरह नहीं है मौसम. यहाँ कंफर्टेबल है, मतलब बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं. या जी हाँ. अच्छा. ये रावत सरनेम में क्या खूबी है? बहुत सारे लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स का सरनेम रावत है, इसमें क्या है, रहस्य क्या है? नहीं, रहस्य कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जैसे शिमला में रावत, मतलब जैसे कुछ एक पॉकेट्स है हिमाचल की जहाँ पे रावत होते हैं, और ये मतलब रावत वैसे तो राजपूत ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन पर कुछ एक पॉकेट्स है जहाँ पे सरनेम रावत है. वो तो पेरेंट्स की तरफ से आया ना हमें सुमन रावत, तो सुमन रावत के बाद जो शादी हुई तो मेहता बन गई, लेकिन रावत जो आया वो पेरेंट्स से आया है. तो ऐसी कोई विशेषता नहीं है सुमन रावत में, लेकिन हाँ ये कुछ पॉकेट्स में हिमाचल में रावत है, और हो सकता है इंडिया के, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ों में ज्यादा रावत होते हैं. अच्छा, बहुत बढ़िया. तो आपके मित्र यहाँ पे, फ्रेंड यहाँ पे आई हुई है रचना, जो रचना जी ट्यून कर रही है, वो आपको हेलो बोल रही है यहाँ पे. शी इज सेइंग वेरी नाइस टू हियर यू. तो एंड वी गॉट दीपेन ऑल्सो फ्रॉम दार्जिलिंग, जो ट्यून कर रहे हैं दार्जिलिंग से, जो आपको सुनाई, आपके इंटरव्यू सुन रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे. और मैं ऐसे आगे चलकर आपको बता दूंगा कि कोई आपके जो अगर मित्र आए तो फिर उनको आप हेलो बोल दीजिए. तो आप अगर रचना जी को कुछ कहना चाहती हो तो आप बता दीजिए. आप भी जी रचना को मैं हेलो बोलना चाहूंगी कि वो सुन रहे हैं मेरे को, बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम लोग कैंप में बहुत टाइम इकट्ठा रहे हैं. अच्छा, उर्मिला लाल जी है यहाँ पे, आपको हेलो बोल रही है. ओके ओके. मैं जितने भी हमारे सुनने वाले जो भी हमारे साथ ज्वाइन करे, मैं सभी को हेलो बोलती हूँ. अच्छा, तो आपका बचपन शिमला में है, शिमला में था, अभी भी शिमला में है. जरा बताइए 1950s का जो है, 1960s का, या जब शिमला कैसा था 1960s का? शिमला तो जब बचपन में, मतलब शिमला तो उस समय तो बर्फ भी बहुत ज्यादा पड़ती थी. आप अगर 30 साल पीछे जाएं तो शिमला में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती थी, और जो मेरा बचपन भी था वो शिमला में भी था. और हाई एल्टीट्यूड तो है ही है, हाई एल्टीट्यूड के अलावा जो गर्मी आज है वैसी उस समय गर्मी नहीं हुआ करती थी. उस समय तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिस का टाइम भी बहुत मुश्किल होता था निकालना. तो बचपन जो है मेरा शिमला में बीता. हम 5 बहनें, और 5 बहनों में मैं सबसे बड़ी हूँ, और पांचों ही नेशनल प्लेयर है हमारी बहनें, और मैं सबसे बड़ी हूँ. और मेरे जो पेरेंट्स थे वो दोनों जो है शिमला में जॉब करते थे, दोनों ही मतलब वर्किंग थे गवर्नमेंट में, दोनों के दोनों. अच्छा जी. तो आप, आपका स्कूलिंग जब हुआ तो यू आर इन पोर्टमो हायर सेकेंडरी स्कूल, एंड आप ऑलराउंडर बचपन से ही थी. जरा आप बताइए ऑलराउंडर, क्योंकि आप स्टडीज भी करती थी, आप खेलकूद भी कर लेती थी उस टाइम से, आपका टाइम मैनेजमेंट चल रहा है, आप कैसे मैनेज करती थी आप उस टाइम में? मतलब मुझे वैसे उस समय ऐसा था कि बचपन से, क्योंकि बहुत शौक था, मतलब पेरेंट्स को शौक था, फादर को बहुत शौक था. तो हम जब स्कूल में थे तो पहले हम ऑकलैंड स्कूल में गए, फिर पोर्टमो में जब गए, तो वो मतलब वहां पे जो ये शिमला का सबसे टॉप का स्कूल था,
तो उस समय जितने भी मतलब टॉप के खिलाड़ी थे सभी अच्छे अच्छे प्लेयर्स इसी में थे, तो वहां पे माहौल भी बहुत अच्छा था। तो जो वहाँ के टीचर्स थे, मैं ये बताना चाहूंगी, जो वहाँ कांता वर्मा मैम थे हमारे, और मिसेज वैद्य थी और मिसेज टंडन थे, मतलब ये टीचर्स थे बहुत अच्छे थे। और जैसा कि अमूमन होता है कि हमें जो है कि वो स्कूल में जल्दी बुला लेते थे, तो हम मतलब घर से 5 बजे चले जाते थे, फिर पहले हॉकी की प्रैक्टिस होती थी, फिर वॉलीबॉल की प्रैक्टिस होती थी, फिर स्कूल भी होता था, और स्कूल में भी हम सबसे आगे बैठते थे। बस हमें ये लगता था कि कब जैसे टीचर ये बोले कि भी क्लास आज नहीं होगा, तुम ग्राउंड को जाओ, तो हम मतलब उस समय मतलब बहुत खुश होते थे। और मैंने ऐसे मतलब हमारी फ्रेंड्स जो बाद में ऐसे सुनने में आता था कि जब हम टीम चैंपियनशिप, जैसे हम डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में जाते थे तो हम चैंपियनशिप जीत के लाते थे, तो सारा सब स्कूल को छुट्टी हो जाती थी। तो वो सब बोलते थे कि आपको तो तकलीफ होती है, लेकिन हमें मजा आता था कि हमें छुट्टी हो जाती थी। तो मतलब सारी गेम्स में उस समय स्कूल के दौरान तो सभी गेम्स में खेला, हॉकी मेरी फेवरेट थी, वॉलीबॉल में भी खेला, बास्केट, क्योंकि अमूमन उस समय ऐसा आपको भी जैसे होगा कि बच्चे जो थे कॉमन जैसे बच्चे थे हर गेम में, तो बहुत ऐसा भी नहीं था कि सभी को स्पोर्ट्स अच्छा लगता था, लेकिन हमें इतना अच्छा लगता था स्पोर्ट्स की, लगता था बस खेलते ही रहो। तो मैनेज पढ़ाई भी साथ साथ करते थे, उस समय तो साइंस था स्कूल में, तो साइंस ही होता था 10th तक, तो हमने क्लास में ही नहीं जाना। लेकिन पर ये था जरूर कि जब हम पढ़ाई करते थे, मीन्स जब छुट्टियां होती थी उस समय हम पढ़ाई करते थे मन लगा के 2 महीने की छुट्टियों में, और मतलब पढ़ाई का हमने कभी मतलब ऐसा नुकसान नहीं हुआ। बट कंपटीशन के दौरान में भी, अगर कंपटीशन है और पेपर चल रहे हैं, तो हम ये कहते थे कि हम पेपर दे के फटाफट टूर्नामेंट को आ जाएंगे। तो मीन्स क्योंकि स्पोर्ट्स अच्छा लगता था, इसलिए कोई ऐसा हिंड्रेंस नहीं लगी पढ़ाई भी, और वो पढ़ाई भी अच्छा साथ चलती थी। या बिल्कुल अच्छा तो उसी या टाइम से बिल्कुल आपका ये जो है टाइम मैनेजमेंट स्किल्स वहीं से शुरू हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ता है, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी क्योंकि, और खेलना भी है, तो मैनेज अगर आप नहीं करेंगे अपने आप को, तो आप आगे नहीं, आगे सक्सेस होना बड़ा मुश्किल है। तो आपको सक्सेस अच्छा होने के लिए पढ़ाई के साथ मतलब खेल के साथ पढ़ाई, नॉट पढ़ाई के साथ खेल, खेल के साथ पढ़ाई जरूरी है। या अच्छा तो यहाँ पे थोड़े और लोग आपको हेलो कह रहे हैं, पुष्पलता सिंगा, चारू बेहरे, अच्छा अजय चारू सीमा, लता, चारू लता, ओके सीमा रावत जी आपको हेलो कह रही है, हाँ ओके सुरजीत पुनी ओके बदवाल आपको हेलो कह रही है, कह रहे हैं तो गणपत ओके वर्मा, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो आपको हेलो कह जी रहे हैं। अच्छा लग रहा है सभी लोग आपको बड़ी उत्सुकता चलो से सुन रहे हैं। तो या आपने आपके बचपन के बारे में बताया, पेरेंट्स आपके काफी नो जब मैं आपका बायोग्राफी पढ़ा तब जो आपके पेरेंट्स के बारे में बहुत बहुत कुछ लिखा गया था, और नो बहुत इन्फ्लुएंस करते थे आपको स्पोर्ट्स के लिए। इनफैक्ट जब मैं ट्रेनिंग के बारे में सुनता था उसमें मुझे ऐसा लगा कि ना मुझे दंगल मूवी याद आ गया, जहां पे आप और आपके सिस्टर्स प्रैक्टिस करते थे। तो जरा बताइए कैसा था मुझे बिकॉज वो दंगल का एक सीन होता है जहां पे वो दोनों सिस्टर्स को लेके जाते हैं विद द कजिन ब्रदर, तो एक सीन है जहां पे ट्रेनिंग है ना, तो एक गाना भी उसके में। मुझे जब आपका जो ट्रेनिंग शेड्यूल जब देखा, अब जब मैं पढ़ा उसके बारे में, तो मुझे ऐसे दंगल मूवी याद आ गया। जरा बताइए लोगों को कि क्या कैसे ट्रेनिंग कराते थे आपके पिताजी आपको। जी हाँ बिल्कुल, हम जैसे मैंने आपको बताया हम 5 सिस्टर्स थी, तो सभी हम लोग हमारे को सुबह जल्दी उठा देते थे, और मॉर्निंग में उठा के हम सबको रोड में ले जाते थे ट्रेनिंग कराने के लिए, और हम सुबह सब रनिंग करते थे, पांचों बहनें मतलब सभी को रनिंग कराते थे। और मेरे फादर का वैसे तो ऐसा कोई नहीं इंटरेस्ट था कि वो एथलेटिक्स कराएंगे, लेकिन वो खुद एनसीसी में थे, तो उनको लगता था ये मेरे बच्चे जो है टफ होने चाहिए, तो इसलिए वो मतलब मॉर्निंग में उठाते थे। फिर हमें जैसे हम शाम को वॉलीबॉल भी खेलते थे, घर में ही वॉलीबॉल खेलते थे और घर में ही हॉकी भी खेलते थे, मीन सारी गेम्स अच्छा का तो घर में ही हमारी को इतनी प्रैक्टिस होगी कि आप ये देखो कि जब हम शिमला डिस्ट्रिक्ट से खेलते थे तो हम पांचों बहनें जो है एक ही टीम में खेलती थी, और फाइनल में हिमाचल की जो है मतलब शिमला डिस्ट्रिक्ट और दूसरा कोई डिस्ट्रिक्ट जरूर आता था, बट हमारा मतलब हम काफी डोमिनेट करते थे। तो पेरेंट्स को इतना ज्यादा शौक था, तो नेचुरली हमें लगा कि जब उनको शौक है तो फिर हमें उनको शौक को जो है पूरा करना चाहिए, तो हमने आगे मतलब उनके शौक को ही पूरा किया, और मतलब उन्होंने मेहनत कराई सुबह उठ के, और वो सभी को शिमला पता है कि सुबह 5 बजे उठ के सब पड़ोस के बच्चे भी सारे बोलते थे तुम लोग को क्यों उठा देते हैं, तो हमने कहा हमें अच्छा दौड़ाना होता है, उन्होंने स्पोर्ट्समैन बनाना है, हम सबको एक अच्छा खिलाड़ी बनाना है। तो मुझे लगता है तो पेरेंट्स की ही डेडिकेशन थी जो उस समय जो हमें स्ट्रांग बनाया, सुबह उठने की आदत डाली, और फिर फर्क
फादर ही थे जो हमें मतलब काले चने उसमें भिगो के उनको भिगो के उनको बनाना, हमें खिलाना, फिर स्कूल को भेजना, और फिर सारी मतलब हम मतलब सभी की जो है देखभाल मतलब इतने प्यार से करते थे कि हमें एनकरेज करते थे कि हम लोग जो है मतलब खेलने में मतलब ज्यादा ध्यान दे अपना। अच्छा, जब दंगल मूवी देखा आपको याद आ गया तभी जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सभी के पेरेंट्स का और सबका बचपन एक ही जैसा होता है, मुझे ऐसा लगता है। सिर्फ ये है कि अगर आप डेडिकेशन करें, डेडिकेशन से आप मेहनत करें, तो मुझे लगता है वो सफलता आती है। लेकिन आज लगता है कि हाँ यार उस समय हमने मेहनत करी तो आज उसका जो है वो फल आया। तो दंगल भी मतलब हम में से एक ही है हमारी जो मूवी है, तो हम समझते हैं वो हम सब में से ही किसी एक की मूवी है, क्योंकि सभी खिलाड़ी जो टॉप में रहते हैं या जो टॉप में जा अपना क्योंकि देखो खिलाड़ी बनना इतना आसान नहीं है। अगर ये पेरेंट्स की हिम्मत है कि हम पांचों लड़कियां होने के बावजूद भी हमें स्पोर्ट्स में डाला, लेकिन वो पढ़ाई में भी डाल सकते थे, किसी और में भी डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ये कोशिश करी कि भी ये बच्चे जो है हमारे स्पोर्ट्स में जाने चाहिए। तो ये बहुत मतलब मुश्किल काम है पेरेंट्स के लिए, और आगे इतना आगे तक भेजना, आगे आप जैसे जैसे इंटरव्यू में हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना टफ हो जाता है एक मतलब महिला बच्चों के लिए मतलब ये कि आगे बढ़ के डेडिकेशन के साथ अपनी मेहनत करना। थैंक यू। उसमें क्या है कि जब आप जो है उस टाइम की बात कर रहे हैं जहां पे यू नो गर्ल्स वेर नॉट वेरी एक्टिव इन स्पोर्ट्स, फिर भी आपके फादर ने आपको एनकरेज किया, जी तो अड़ोस पड़ोस के लोग क्या कहते थे? वो बोलते थे, वो तो ये कहते थे तुम्हें डर नहीं लगता अपनी लड़कियों को भेजते हुए, अब कैसे करके मतलब क्यों लड़कियों को आगे, लड़कियों को क्यों ट्रेनिंग करा रहे, क्योंकि सबको पता था, क्योंकि फादर जो है वो प्राइवेट सेक्रेटरी थे मतलब एजुकेशन मिनिस्टर के पास मतलब पर वो ये बोलते थे कि तुम्हें डर नहीं लगता लड़कियों को भेजते, क्योंकि स्कूल के टूर्नामेंट होते थे वहां भी भेजना और फिर वहां भेजना पर, लेकिन उसमें हमारा ये कॉन्फिडेंस जरूर होता था। वो मैं जरूर बताना चाहूँ कि जब मैं टूर्नामेंट के लिए जाती थी तो मैं फादर एजुकेशन मिनिस्टर के पास थे, तो वो वहां पे टूर्नामेंट में चीफ गेस्ट आते थे, एजुकेशन मिनिस्टर आते थे, तो मैं पहले बोल देती थी मैं 5 मेडल लेके आऊंगी, तो बोलते पक्का बेटा 5 मेडल लेके आए, मैं कहा हाँ 5 मेडल लेके आएंगे, तो मैं 5 मेडल भी। और फिर एक बात और होती थी जब वहां पे स्कूल में जैसे मतलब हम लोग कॉम्पिटिशन डिस्ट्रिक्ट में करते, फिर कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आते हो, मैं वहां पर्टिकुलर लिखाती सुमन रावत लिखो, ताकि पूरे गांव को पूरे हिमाचल को पूरे शिमला को पता चले कि सुमन रावत जो है वो मतलब फर्स्ट आई है। या अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या है कि अगर यहाँ पे और ये अच्छा लगा कि आप कहती थी कि ना आप यू नो 5 मेडल लेके आएंगी, और क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, तो फिर जब 5 मेडल लेके आते हैं तो फिर आई एम श्योर योर फादर वुड बी सिटिंग बिसाइड हिम, राइट? जी, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उनको वो मतलब हमें तो खैर हम तो ये सोचते थे कि भी जब वो आएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, अदरवाइज पेरेंट्स को ये डर लगा जरूर लगा रहता था कि टूर्नामेंट में बच्चों को भेजना, लड़कियों को भेजना भी एक टफ होता था, लेकिन शायद उनको उन्होंने ये हिम्मत रखी कि भी नहीं अगर हमारे बच्चों को अगर हम आगे भेजेंगे तो कम से कम ये, तो वो नेचुरली फादर तो उनके साथ रहते थे बट हम भी कोशिश करते थे कि हम टॉप पे रहें, मतलब सभी मतलब शिमला डिस्ट्रिक्ट भी हमारा जो सारी गेम्स के फाइनल में ही रहता था उस समय, उस जमाने में भी मतलब शिमला डिस्ट्रिक्ट जो है वो टॉप में ही रहता था हर गेम में, हर गेम में। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे और बहुत सारे लोग अभी आए हैं यहाँ पे, आपको हेलो कह रही हैं। किरण रावत जी आपको हेलो कह रही है, शकुंतला मेहता जी आपको हेलो कह अमेरिका रही से। है, और जयदेव सिंह गर्ग आपको हेलो कह रहे हैं, राहुल मेहता आपको हेलो कह रहे हैं, तो ये सारे लोग आपको हेलो कह रहे हैं। तो फिर अच्छा लग रहा है, आई एम श्योर कि यू नो इंटरनेट के द्वारा आपको ना आई मीन दे आर सीइंग यू और आपको लाइव देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है आई एम श्योर उनको भी। तो उसका जो जब आपका एथलेटिक करियर की बात करें तो नहीं एक्चुअली टुक ऑफ जब आप कॉलेज में गए थे, RKMV कॉलेज जो है, तो जरा इस कॉलेज के बारे में बताइए, हाउ वाज दिस कॉलेज, बिकॉज आपने पहले एक कॉलेज ज्वाइन किया था, उसके बाद RKMV कॉलेज में आप यू नो एंड तक रही, जब बताइए उस कॉलेज में कि क्या खासियत थी और हाउ डिड इट हेल्प आपके एथलेटिक करियर के लिए। वो ऐसा हुआ कि जब मैं स्कूल से मेरे निकलना था तो मैं जिद कर रही थी जलंधर जाने की, तो फादर ने कहा कि सेंट बीट्स कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा है,
उन्होंने वहां ज्वाइन करा दिया, लेकिन वहां मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मुझे मैं जो है आरकेएमवी में चली गई। तो आरकेएमवी में जो है माहौल, मतलब वहाँ जो टीचिंग टीचर्स थे वहाँ पे, उन्होंने वो काफी एनकरेज करा। उन्होंने उनके जो टाइमिंग थे, प्रैक्टिस के टाइमिंग थे, हमारे सारे टाइम मैंटे, कोई हमें तकलीफ होती थी वो हमें हेल्प करते थे। और उसके बाद जैसे मैं वहां से, मतलब उसके वहां पर भी मैं हॉकी में भी हमने जो इंटर कॉलेज हॉकी में भी खेला, वॉलीबॉल में खेला, वो सब रहा ठीक। लेकिन सिर्फ ये हुआ कि जब हॉकी में जब मतलब कॉलेज में थे, तो जैसे उन्होंने वहां में प्रेसिडेंट भी बनी कॉलेज की, ज्वाइंट सेक्रेटरी भी बनी मतलब उस कॉलेज में, तो नेचुरली उन्होंने प्रिंसिपल काफी अच्छे थे प्रिंसिपल, उन्होंने बहुत हेल्प करी हमारी। और जब हमने जहां टाइमिंग बोला, हमें प्रैक्टिस के लिए जाना, तो कभी मना नहीं करते थे, कभी क्लास में उन्होंने मना नहीं करा। मतलब कभी भी हम लोग, यूजुअली क्या होता था, हम तो क्लास अटेंड कर ही नहीं सकते थे क्योंकि हम लोग को तो खेलने का था। और फिर वो क्लास में जो टीचर्स थी, वो थोड़ा सा वो होता ही है, उनको भी लगता है कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे मतलब आ नहीं रहे क्लास में, और अटेंडेंस भी शॉर्ट हो रही हमारी। तो लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये स्पोर्ट्स मैन है, इनको हिमाचल का नाम ऊंचा करना है, तो इनको फ्री रहने देना चाहिए। तो उन्होंने हमें फ्री भी रखा, और मतलब मैनेजमेंट उन्होंने इतना अच्छा किया, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई वहां पे मतलब प्रैक्टिस करते हुए। तो मुझे लगता काफी एनकरेज करा उन्होंने। और वहां से जब मैं जब नेशनल मैंने जैसे हॉकी मैंने बताया, हॉकी खेल रही थी, हॉकी को इंडिया कैंप के लिए सिलेक्शन भी हो गया मेरा। उसके बाद फिर जैसे मुझे लगता आगे भी आप कवर करेंगे इसको, तो वहां से मैंने जब नेशनल को जाना था, तो अब मैं आगरा में एनसीसी कैंप में थी, एनसीसी कैंप में आगरा में थी। अब फिर वहां से मैंने मतलब नेशनल इसको एथलेटिक मीट थी, वहां पे जाना था, क्योंकि हॉकी में जब कैंप में जाके वहाँ कुछ मतलब उन्होंने कहा कि आप लोग आप बहुत लेट हो चुके हैं, ये मैं आगे भी कवर करने की कोशिश करूंगी, लेट हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि, तो प्रिंसिपल ने अपने मतलब स्कूल से हमें मतलब कोई अटेंडेंट भेजा मेरे को, जो आगरा से मुझे लखनऊ लेके गए। तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत कम कॉलेजेस होते हैं, और उस समय के कॉलेज, उस समय का कॉलेज जहाँ उन्होंने हर फैसिलिटी हमें दी और हमें हिम्मत दी आगे बढ़ने की, तो मैं समझती हूँ वहाँ मतलब काफी अच्छा मतलब लगा। और ग्रेजुएशन मैंने उसी कॉलेज से करी। अच्छा, और प्रिंसिपल साहब का नाम क्या है? वो प्राण खोसला थे, बहुत अच्छे प्रिंसिपल थे। और उसी दौरान मुझे लगता है उसके बाद मैं जैसे एनसीसी मतलब जब मैं वहां गई, तो वहां से नेशनल कैंप के लिए भी सिलेक्शन हो गया जब वहां गई। पर वो खोसला साहब थे हमारे, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब सभी एडमायर करते उनको, मतलब उनकी रहनुमाई में। और हमारा कॉलेज जो है उस समय पहले मतलब ये बॉयज और गर्ल्स दोनों का था, गोवर्ड था, लेकिन जब मैं हम कॉलेज में गए, तो उस समय जो है वो सिर्फ केवल आरके मतलब विमेन कॉलेज हो गया सिर्फ। या अच्छा जी, बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसे प्रोफेसर्स आई एम श्योर कि अगर होते हैं तो इसलिए आई मीन स्पोर्ट्समैन भी आगे बढ़ता है। तो ये बहुत अच्छी बात है जो आपने कहा, यू नो इवन कि अटेंडेंट भेजा आपको आपके लिए टू टेक यू फ्रॉम आगरा टू लखनऊ। तो ऐसे कौन करता है, बहुत कोई नहीं करता, तो बहुत कम लोग करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा सुनकर, उनका भी डेडिकेशन काफी अच्छा रहा। आप उस टाइम में जो हॉकी वॉलीबॉल यू नो आप खेलती थी, आई मीन फेवरेट थे, और उस टाइम में आपने उसके बाद कुछ हादसा हुआ, आई थिंक समथिंग हैपेंड व्हिच मेड यू शिफ्ट टू एथलेटिक्स, आप इनफैक्ट मायूस हुए थे, जरा बताइए आई मीन यू नो क्यों ये शिफ्ट हुआ फ्रॉम टू टीम गेम्स टू इंडिविजुअल गेम? यस बिल्कुल, एक्चुअल मैंने जैसे आपको बताया मैं हॉकी वॉलीबॉल खेलती थी, मेरा हॉकी फेवरेट गेम था। वॉलीबॉल में भी हम प्रैक्टिस, क्योंकि घर में भी हम छलांगे मारते थे, जंप्स करते रहते थे, प्रैक्टिस मतलब बहुत प्रैक्टिस करते थे। तो जैसे हम कॉलेज में गई, तो मैं कॉलेज में भी जैसे हम हॉकी खेलती थी, तो हॉकी में मेरा हम नेशनल खेलने जब गए, तो वहां पे हम हिमाचल की टीम जो है वो पेप्सू टीम से खेल रही थी, और पेप्सू में प्रेम माया वगैरह मतलब टॉप की टीम थी वहां पे। तो हमारे मतलब हिमाचल की टीम जब मैं खेल रही थी, फॉरवर्ड में थी, तो मतलब हमने मतलब न्यूज़पेपर में भी आया कि हिमाचल की सुमन रावत ने पूरी टीम को झनकोर के रख दिया। मतलब हमने उनको अपने ऊपर गोल ही नहीं करने दिए, और मतलब हम मतलब जहां पे ये सोच रहे थे हम कि वो जो टीम है पेप्सू टीम है वो हिमाचल के ऊपर कम से कम 10 गोल तो दागेगी, लेकिन वो एक या दो गोल में सीमित होगी। और उसमें मैंने मीन्स आउट मतलब पूरा आउट मतलब दिया, क्योंकि मेरा एम जो था वो इंडिया को रिप्रेजेंट हॉकी में करना था, नॉट एथलेटिक्स में। तो जब वहां से मायूसी मिली, तो उस समय मेरे को जो है वो मेरा कॉलेज में इंटर कॉलेज में से इंटर यूनिवर्सिटी को भी सिलेक्शन हो गया। और जब इंटर यूनिवर्सिटी को मैं गई, तो इंटर यूनिवर्सिटी ग्वालियर में थी, और वहीं नेशनल कैंप लगा हुआ था हॉकी का।
तो मैं बहुत तैयार होके, मतलब तैयार होके गई कि मुझे जो है कैंप में रखेंगे, मैं हॉकी खेलूंगी। लेकिन वहां उन्होंने ये कहा कि आपका सिलेक्शन है लेकिन आप लेट हो चुके हैं। तो उस समय मेरे को इतना लगा कि मैंने अपने पेरेंट्स को बोला मैंने खेलना ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये तो एथलेटिक्स में इंटरनेशनल तो बाई चांस हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इंडिविजुअल गेम को लो और टीम गेम को छोड़ दो, क्योंकि टीम गेम ये ठीक है भी मेरा एम था, लेकिन उसको फिर हमने जब एथलेटिक्स को मैंने चेंज करा, फिर उसके बाद मैंने जो है उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करी कि ठीक है मैं, जैसे आपको मैंने बताया कि सुबह प्रैक्टिस तो हम सुबह करते थे, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के, फिर उसके बाद जब बड़े बड़े मतलब जैसे कॉलेज में हुई तो शिमले का पूरा राउंड लगाते थे, वो 7.5 किलोमीटर का राउंड था, तो उस समय मैं दो दो राउंड लगाती थी। अच्छा फिर मन में भी मैंने ये सोचा था अगर एक एक राउंड लगाऊंगी तो मैं नेशनल चैंपियन, दो राउंड लगाऊंगी तो मैं इंटरनेशनल चैंपियन, मींस ऐसे मैंने सोचा था कि मींस ऐसे, क्योंकि वो हमारे लिए तो बहुत टफ था, लेकिन है कि जब वहां से जब मैं इंडिया कैंप में गई तो वहां नेचुरली वहां कैंप में सिलेक्शन हुआ, फिर कैंप में प्रैक्टिस करी, तो उसके बाद फिर मुझे मैंने जो है सोलली मतलब ज्यादा कंसंट्रेट जो एथलेटिक्स में करा मैंने, मतलब शुरू कर दिया उसके बाद करना। जी अच्छा, तो जब एथलेटिक्स शुरू किया तो फिर आप कह रहे थे ना, एक राउंड 7 किलोमीटर, सेकेंड राउंड 14 किलोमीटर हो गया। जब एथलेटिक्स आपने शुरू किया तो आपका जो ट्रेनिंग शेड्यूल आपने खुद जो आपने बनाया था, सो दैट वाज यू नो ह्यूज शेड्यूल, जरा बताइए ना, बिकॉज एक्चुअली बिकॉज इट टुक टोल ऑन योर लेग्स ऑल्सो। आपको शिन पेन हो गया या नी पेन हो गया उसकी वजह से, डॉक्टर्स ने कहा आपको रेस्ट करने के लिए, जरा बताइए उस ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में, बिकॉज बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं जो है ना, जो टॉप एथलीट्स हैं, हु एक्चुअली क्रिएट देयर ओन ट्रेनिंग शेड्यूल्स। आपने भी बनाया था, बताइए क्या कैसे ट्रेनिंग करती थी उस टाइम पे? जी, वो ये तो मींस ये तो ऐसा है कि जिस समय मैं कैब में थी हम लोग प्रैक्टिस करते थे, मेरे साथ जैसे अभी अभी रचना हमारे साथ है, सुरजीत, ये खाल को, विजय खाल को, मैं बहुत सारे मतलब टॉप क्रीम थी, इंडिया की पूरी क्रीम थी हम लोग कैब में, तो हम प्रैक्टिस करते। तो जब मेरे को पेन शुरू हुआ तो 83 की बात है ये, तो जब पेन हुआ तो शिन बोन पेन इतना हो गया कि मैं चल ही नहीं सकती थी, वॉक ही नहीं कर सकती थी। और बीच में अच्छा ये भी उस दौरान दरअसल ये भी बीच में ये हम स्किप कर गए कि 82 के बाद 83 में जब मैं इंटर नेशनल से जब मेरा गोल्ड आए, दो गोल्ड लेके आई मैं, तो मेरे फादर ने मेरी आरती उतारी और उसके बाद फिर हम कैंप में गए, तो मतलब उन्होंने मतलब वो बहुत खुश हुए कि भी मेरा बेटा मेडल लेके आया है, और मैं मतलब मैं गोल्ड, दो गोल्ड लेके आई। तो उसके बाद मैं जब नेशनल कैंप में गई तो कैंप में मुझे नहीं मालूम था कि मेरे को इतनी पेन शुरू हो जाएगी, और 83 ट्रैक एंड फील्ड थी मतलब, तो मेरे को लग रहा था कि मैंने कहा अब इतनी ट्रेनिंग कैसे करूं। तो डॉक्टर ऊजा थे वहां पे, उन्होंने कहा कि भाई ये तो आपको तो ग्रास में ही दौड़ना पड़ेगा। तो मैं जितने टाइम टाइगर जोगिंदर सिंह वो ट्रेनिंग कराते थे हमारे नेशनल एथलीट्स को, तो उस समय मेरा मैं और कुछ कर ही नहीं सकती थी, केवल ग्रास में मैं जॉगिंग ही कर पाती थी, और मतलब ये जॉगिंग ग्रास में इतनी करती थी, डेढ़ डेढ़ घंटा दो दो घंटा जॉग करना, और मुझे लगता है मेरी जो जो बिल्डअप थी या जो मेरा इंडोरेंस था वो शिमला में मैंने इतना बनाया था कि मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगी वहां पे जब मैं उनके साथ को मैंने कॉम्पीट करा। तो जैसे मेरा जब हमारा ट्रायल होना तो ट्रायल में तो मैं फर्स्ट आई, मतलब ठीक कर लेती थी, मतलब इतना कर लेती थी कि मुझे कैंप में रिटेन रखे, अदरवाइज क्योंकि शिन बोन पेन के साथ बहुत मुश्किल होती है। फिर उसके बाद हॉट फॉर्मेटेशन, कोल्ड फॉर्मेटेशन करके मतलब काफी मतलब इम्प्रूव किया, और बाद में मतलब मेरे फादर जैसे एक्सपायर हुए उसके बाद मैं फिर कैंप में एनआईएस करा, जैसे मैंने एनआईएस भी हमने ज्वाइन करा, तो उस समय भी जो ट्रेनिंग थी वो तो करनी ही पड़ती थी, क्योंकि आपके पास ऑप्शन तो है नहीं, आपको जब कैंप में रहना है या आगे नेशनल में कम्पीट करना है तो पर लेकिन उस समय पेनफुल तो बहुत ज्यादा था, अगर आज भी मैं याद करूँ तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ओवरकम हो गया। और उसके बाद मैंने जो भी कंपटीशन करे तो मतलब टचवुड मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद। ये इनिशियल स्टेज पे हो सकता है कि डॉक्टर ने ये कहा था कि आपको, आप रोड रनिंग आपने बहुत करी है तो आपको जो है रोड पे नहीं करना है, कच्चे में करना है, साइड में जो कच्चा होता है उस पे, कच्चे पाथ पे करना है, या मतलब कच्चे सरफेस पे करना है, तो और ग्रास में करो तो बहुत अच्छा है। तो शायद हो सकता है कि उसकी वजह से भी थोड़ा सा मुझे एडवांटेज ही मिला होगा, मुझे लग रहा है, आई फील सो, अच्छा, बट
मतलब वो टाइम मुझे नहीं भूलता जब मेरे को शिन बोन पेन हुई थी, इट वाज वेरी टफ कि भी, पर लेकिन बोलते हैं ना कि अगर हिम्मत आप ना हारो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये मुझे लगता है एब्सोल्युटली कि या एब्सोल्युटली, आई मीन अगर आप आपकी लाइफ स्टोरी देखे तो उसमें एक पिक्चर ही बन सकता है, तो सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर इन दैट, यू नो आई एम श्योर कि कोई अगर सुन रहा है तो आई एम श्योर यू नो दे माइट वांट टू मेक समथिंग लाइक दैट। तो आपका जो कोचिंग जो है, जो आपने बहुत सारे जो टाइम जो है आई मीन बचपन आपने गुजारे विद हॉकी कोचिंग एंड एवरीथिंग, रनिंग में आपका पहला कोच कौन था और क्या-क्या सीखा आप उनसे? हाँ, रनिंग में जैसे हमने, मैंने बताया आपको कि हम लोग जब नेशनल कैंप में एनआईएस में गए, जब एनआईएस में गए तो टाइगर जोगिंदर सिंह जी थे वो हमारे कोच थे, तो उस समय जैसे मैं एनआईएस भी कर रही थी तो एनआईएस के दौरान में सैनी साहब वहां थे, तो उस समय मेरे फादर जब एक्सपायर हुए तो उस समय ये दिक्कत आ गई कि आगे कैसे कंटिन्यू करना है, मतलब ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो हम 5 बहनों में से जैसे हम फादर की जब डेथ होगी तो मदर को ये सोचना था कि अब इनको कैसे मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा, तो मेरे को एनआईएस करने भेजा। उस समय सैनी साहब भी वहां थे, और हमारे जो हमारे टीएल वैद्य साहब थे जिन्होंने मुझे मतलब काफी सपोर्ट किया, उन्होंने भी ये कहा कि सुमन को एनआईएस करा दो, क्योंकि फादर चले गए थे तो जॉब में कोई नहीं था, सभी हम पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप इसको एनआईएस करा दो तो हम हिमाचल गवर्नमेंट में कोई मतलब जॉब दे देंगे, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर की जॉब उस समय मतलब डिपार्टमेंट 82 में बना ही था, तो उन्होंने कहा कि हम वो जॉब दे सकते हैं अगर सुमन एनआईएस के लिए चले जाए। तो उस समय हम एनआईएस के लिए गए, तो एनआईएस करने जब मैं गई तो वहां टाइगर जोगिंदर सिंह जी वो हमारे कोच थे, उन्होंने हमारी ट्रेनिंग दी, तो काफी उनकी ट्रेनिंग शेड्यूल भी बहुत अच्छा था, बहुत हमारे जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर थे सभी ने उनके पास ट्रेनिंग करी, और मैं ये जरूर उनको बोलती थी कुछ कि जब वो जो भी शेड्यूल देते थे मैं उससे एक्स्ट्रा ही करती थी। अगर वो सुबह भी आते थे जैसे मतलब वहां पे जब ट्रेनिंग करने के लिए, तो मैं उनको ये बोलती, सर वो पूछते थे कितना, सबसे पूछते थे आप कितना करके आए, आप कितना किलोमीटर करके आए, मैं सर आप मत पूछना मुझे और डांटना भी मत मुझे, क्योंकि जो वो बोलते थे मैं उससे डबल ट्रेनिंग करके आती थी, मतलब मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि जब बोलते ना कोई एम आपका हो तो आपको एम को प्रूव करने के लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, तो उस समय मैंने मतलब मेहनत करी और उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया, और जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी जैसे एनआईएस में ट्रेनिंग कर रही थी तो उन्होंने भी मतलब मैं उनको बोलती थी लंच टाइम में मेरा टाइमिंग देखने के लिए आपने आ जाना, तो टाइम ट्रायल के लिए वो उस समय आ जाते, तो मीन्स उन्होंने काफी अच्छे मतलब बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, और जिसकी वजह से मुझे लगता है हमने एशियन गेम्स में भी अच्छा किया। अच्छा, आप लंच टाइम की बात कर रहे हो इन पटियाला, वो भी समर में, और आप ट्रेनिंग करती थी समर में, कैसे मैनेज कर लेते थे आप? आती यू आर फ्रॉम शिमला और पटियाला में व्हाट टेम्परेचर क्या, 40 डिग्रीज प्लस है, वो आफ्टरनून को आप ट्रेनिंग करते थे, आपने कैसे मैनेज किया ये ट्रेनिंग? नहीं, वहां पे तो ऐसा था कि जब वैसे जब मैं एनआईएस में पढ़ रहे थे हम लोग, जैसे हम क्लास में पढ़ते थे तो एक बार क्लास में जैसे थकावट हो जाती थी, तो सैनी सर ने यह कहा कि आप अपना टाइम मैनेज ऐसे करो कि किसी को ये भी ना लगे कि आप जो है क्लास की ट्रेनिंग को खराब कर रहे हो, मीन्स क्लास में ध्यान नहीं दे रहे, तो मीन्स उनको ताकि पता ना चले, इसलिए मैं सुबह 5 बजे मतलब 6 बजे हमारी कोर्स की क्लास शुरू होती थी तो मैं 5 बजे सुबह अर्ली मॉर्निंग चली जाती थी, तो लॉन्ग डिस्टेंस की रनिंग तब करते थे, फिर आपको पता है जब प्रैक्टिकल क्लास होना तो दो मतलब हमें टेंटिव रह के खड़े ही रहना पड़ता था 2 घंटा, फिर क्लास में थ्योरी क्लास होती थी, फिर शाम को 3 बजे फिर ट्रेनिंग होती थी, फिर उसके बाद फिर अपनी प्रैक्टिस करनी, तो वो मीन्स इट वॉज वेरी टफ, बट मीन्स मैं कोशिश करी कि मैं इसको मैनेज कर पाऊं, और जब हमारा जब कंपटीशन नजदीक नजदीक आने पड़ा लगा तो उस तरह मतलब 83 का मतलब 84 का जैसे कंपटीशन, तो उस समय नेचुरली टाइम ट्रायल के लिए और कोई टाइमिंग नहीं होता था कि सुबह शाम तो हमारे अपनी क्लासेस होती थी, तो मुझे जो है वो जो लंच टाइम होता था उसमें ही ऑप्शन होता था मुझे प्रैक्टिस करने का, लेकिन उस समय ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि गर्मी लगेगी या भाई आए, मतलब लगी भी गर्मी लेकिन सब शिमला में रहने के बावजूद पर पटियाला की गर्मी, लेकिन बोलते ना कुछ खोने पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है, तो मेरे मेहनत करना ही मेरे पास ऑप्शन था और नखरा मेरे पास ऑप्शन नहीं था उस समय। अच्छा, बहुत बढ़िया। आई एम श्योर कि यही एटीट्यूड आपको यू नो व्हिच मेड यू विन एंड क्रिएट
आपने अपना जो नेशनल रिकॉर्ड है 5 बार रीराइट किया था, तो आई एम श्योर कि यही एटीट्यूड वुड हैव हेल्प्ड यू। लेकिन आपका जो पहला मेडल नेशनल गेम्स मेडल जो है 1982 नेशनल मेडल जहां पे आपको ब्रॉन्ज, बताइए उस रेस के बारे में, आपने कैसे प्रिपेयर किया और क्या था स्ट्रेटेजी और कैसा लगा आपको ब्रॉन्ज जीतते हुए पहली मेडल फर्स्ट टाइम? वो तो जब मैं कैंप से, जैसे नेशनल कैंप से हम लोग गए नेशनल के लिए, तो उस समय ये था कि 82 एशियन गेम्स में जो मतलब का सिलेक्शन, टीम का सिलेक्शन होना था, ठीक है। तो उस समय जब हम दौड़ रहे थे तो हमारे, जैसे हमारी क्वीन थी उस समय गीता जोशी थी, तो वो फर्स्ट आई और सेकंड महिंदर आई, तो थर्ड में आई। तो मुझे मतलब ऐसा लगा ही नहीं, क्योंकि नेचुरली जितनी मैंने ट्रेनिंग करी थी मुझे लगता है कि वो मेरे लिए काफी थी। मींस इतना भी मैं थर्ड में आ पाई तो मुझे लगता है मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके लिए ये टारगेट हो गया। उसके बाद फिर हमारे को जो एक्चुअल में क्या हो गया, उस समय डेंगू फीवर था, तो उस समय वो भी हो गया, उसकी वजह से ट्रायल भी दोबारा हुए तो शायद हम आउट हो गए, और उसके बाद हम शिमला आ गए। तो जब शिमला में 82 एशियन गेम्स का जब टेलीकास्ट हो रहा था और फादर गीता जोशी उस समय ओथ ले रही थी, तो एक मेरे फादर ने उस समय ये कहा कि एक दिन मेरा बेटा वहां होगा। आप ये सोचो, उस समय मेरे फादर ने ये कहा। तो उसके बाद मेरे असली चैलेंज तो मेरा उसके बाद शुरू हुआ, क्योंकि थर्ड प्लेस से मुझे तो कोई फर्क नहीं इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि वो तो टॉप पर थे ही, वह जो दोनों मुझसे स्ट्रांग थी, तो उन्होंने तो फर्स्ट सेकंड आना था, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। लेकिन आई वॉज सेटिस्फाई कि एटलीस्ट मैं थर्ड प्लेस में भी आ पाई इंडिया में। बहुत बढ़िया। लेकिन ये जो है कि आपका जो एक्चुअल एक्चुअल अगर देखें, सुमन रावत जी का जो अराइवल जो है वाज ऑन 21st इंटरस्टेट एथलेटिक मीट, जहां पे आपने गोल्ड, डबल गोल्ड, फर्स्ट पर्सन हिमाचल प्रदेश टू विन डबल गोल्ड 1500 और 3000 मीटर्स, और वो भी कि डबल गोल्ड, ऐसा नहीं कि मीन इट वाज अ वेरी हल्का सा फील्ड, इट वाज अ फील्ड व्हिच हैड गॉट शाइनी विल्सन जी थे, निर्मला नायर जी थे, बताइए आई मीन डबल गोल्ड कैसे? नहीं, वो एक्चुअली मुझे तो ये लगता है, देखो कि शिमला की ट्रेनिंग थी, क्योंकि शिमला की हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग थी और यहाँ ट्रैक तो है ही नहीं, तो जब मैं यहाँ से गई तो मेरे को तो कोई कंपटीटर भी नहीं था, मेरा तो कोई कंपटीटर नहीं था वहां पे, ना मुझे ये था कि भी मेरे को मींस मतलब जस्ट आई पार्टिसिपेटेड। बट वहां जाके ये पता, जैसे हमारे जो कोच गए थे यहाँ से, शिमला से गए थे उस समय जो हमारे कोच थे, उन्होंने ये कहा कि भाई सुमन बहुत अच्छा कर पाएगी इस बार। तो मैंने बोला सर कैसे अच्छा कर पाएगी, मुझे तो मतलब, मैंने कहा चलो ठीक है, थर्ड प्लेस आए तो अभी सेकंड तक तो आना ही चाहिए। तो खैर इंटरवर्सिटी में मेरा सेकंड आ गया था, तो फिर उन्होंने इतना प्रिपेयर कर दिया सारे रस्ते में, वो अपने आप भी वॉकिंग के कोच थे वो, तो उन्होंने मतलब सारे रस्ते में भी वो मोटिवेट करते रहे मुझे, मुझे रिलैक्स करे, क्योंकि कलकत्ता मतलब कलकत्ता में ये इवेंट था, तो कलकत्ता में आपको पता है जब ट्रेन में जा रहे हो तो मैं देख रही हूँ कि वहाँ जो नेशनल प्लेयर है वो जब ट्रेन रुकती है वो वार्म अप भी कर रहे हैं, हमें उस समय ऐसा तो कुछ आइडिया नहीं था। बट उन्होंने बस ये कहना कि सुमन रिलैक्स करना, आपको दो गोल्ड जीते, सुमन रिलैक्स करना आपको दो गोल्ड जीते। लेकिन वहाँ ये पता नहीं है कि वहाँ कौन कौन खिलाड़ी होगा जिनको हराना है, बट ऐसा मेरा कोई नहीं था, शाइनी के भी हो सकता है इवेंट ना हो वो, लेकिन बट जैसे मैंने कम्पीट करा तो मैंने दो गोल्ड लिए, तो हमारे जो कोच थे वो बहुत खुश हो गए, उन्होंने ये कहा कि चलो एटलीस्ट हिमाचल के लिए दो गोल्ड आ गए। तो मुझे लगता है वहां से फिर मैंने कहा ठीक है, अगर अब ये कि भी अब आगे की जर्नी जो है मेरी आसान हो जाएगी। आपका जो स्वागत जो हिमाचल में जब दो गोल्ड लेने के बाद काफी अच्छा रहा, जरा स्वागत के बारे में बताइए। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग आए थे एंड बहुत, बताइए उस माहौल के बारे में जहां पे आपका जो रिटर्न जर्नी था टू हिमाचल। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो तो सारे मतलब जैसे हमारे कॉलेज के थे, प्रिंसिपल थे, सारे लोग बहुत खुश हुए और सबने, और मेरे खासकर मैंने बताया आपको, मेरे फादर, जैसे ही मैंने बताया तो मेरे फादर ने कहा मैं अपने बेटे की आरती उतारूंगा। तो उनकी फरवरी में ये टूर्नामेंट हुआ और फरवरी में उन्होंने मेरी आरती उतारी, और अनफॉर्चुनेटली मार्च में उनकी डेथ हो गई, और मार्च के बाद फिर जो है तब उसके बाद में एनआईएस की, और फिर मेरी जर्नी जो है मतलब स्टार्ट हुई।
तो मतलब उन्होंने जो हिमाचल में तो खैर एवरीबॉडी वाज हैप्पी कि सबने कॉन्ग्रेचुलेशन दी, तो सबने मुबारक मेरे मदर को, पेरेंट्स को, नेचुरली उस समय उनको बहुत खुशी हुई कि हम बेटा मतलब हिमाचल की मतलब बेटी जो है वो 2 गोल्ड लेके आए। तो हमारे जो मतलब सीएम थे या मतलब सभी ने बहुत मुबारकबाद दी, सबकी टेलीग्राम्स भी आई और मीन्स एवरीबॉडी वाज इन हिमाचल खुश की एटलीस्ट कम से कम हिमाचल में जो है स्वर्ण पदक का जो है आगाज हुआ है उस समय। अच्छा, आपके जो नेबर्स जो थे, जो आपको कहते थे कि ना आगे, आपके फादर को कहते थे कि आपको डर नहीं लगता, वो लोग क्या कहें उसके बाद? नहीं, वो तो बहुत खुश हुए, वो तो मेरे फादर जो है उन्हीं के साथ शेयर करते थे। और मतलब उन्होंने जब फादर को ये कहा, फादर ने जब बताया कि वो बेटा, पर वो फादर तो है उनके, वैसे भी मेरे फादर जो उनके दोस्तों के साथ जो उनको बोलते थे उनसे बहुत शेयर करते थे हमारे बारे में। वो जब उनके फादर की, हमारे फादर की डेथ होगी तो उसके बाद बताया उन्होंने कि वो बहुत मतलब वो ये सोचते थे कि मेरा बेटा क्या ना करे, मेरा बेटा क्या ना करे, तो मतलब उनको बहुत आ, तो वो सब ही यही बताते थे कि जब भी उन्होंने ऑफिस में रहना कि आज सुमन ने वहां जाना है, आज सुमन ने वहां जाना है, तो वो सभी लोगों ने काफी अप्रिशिएट करा कि अगर मतलब रावत साहब अपनी बेटियों को डाल सकते हैं तो सब हिमाचल में और बच्चों को भी एनकरेज मिलेगी। और उन्हें ये लग रहा था कि शायद हो सकता है कि जब ये 5ों बेटियां आगे आएंगी तो हो सकता है हिमाचल की बाकी बेटियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो मुझे लगता है वो एक एडवांटेज हुआ। और उसके बाद फिर जो है उनका उनकी जो ड्रीम है वो शायद मुझे लगता है वो हम सबने पूरी करी, और मैंने मेरा मैंने तो करी ही पूरी अच्छा, बहुत बढ़िया। जी आगे बढ़ने से पहले जी थोड़े और लोग आपको हेलो कह रहे हैं। वंदना राव जी हैं यहाँ पे, आपको हेलो ओ कह वेरी रही है। नाइस, अच्छा हेलो पुष्पलता वंदना, सिंह आपको हेलो कह रही है। प्रभाकर राव जी हैं जो ओके भी जो आपको हेलो कह रहे हैं। गुरुमूर्ति नायक जी है जो ओके बॉम्बे में है, वो कह रहे हैं कि आप सबसे बेस्ट लॉन्ग डिस्टेंस एंड मिडिल डिस्टेंस रनर थी। और नेहा चांदेल वो भी ओके आपको कह रही है हेलो। तो बहुत सारे वेरी लोग गुड, हैं जो हेलो हेलो आपको जी, ये शो हाँ देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी 1984 की जी बात करें, एनआईएस कोर्स आपने खत्म किया, आपने कॉन्वोकेशन के लिए भी रुका नहीं, एंड यू वेंट एंड यू नो जी यू वेंट टू द अगेन 22nd ऑल इंडिया स्टेट इंटर एथलेटिक चैंपियनशिप्स, इंटर स्टेट एथलेटिक जी चैंपियनशिप्स, और आपने रिकॉर्ड के साथ 1500 और 3000 मीटर्स जीती। ये जोश जी कहाँ से आया, इसका राज जी क्या है? बिल्कुल। नहीं, इसका राज को ज्यादा कुछ नहीं है, बट ये कि जो जैसे हमारे कॉम्पिटिटर हमारे साथ मतलब जो मेरे साथ कैंप में बच्चे हमारे साथ थे, सभी सभी लोग के साथ ट्रेनिंग करते थे, और जैसे मैंने एनआईएस में आपको बताया मैंने इतना हार्ड वर्क करा, इतना हार्ड वर्क करा कि मुझे मुझे मतलब ये शो ये प्रूव करना था कि मुझे जो है टॉप पे ही आना है। और मतलब रिकॉर्ड का भी ऐसा कुछ सोचा नहीं था, लेकिन प्रैक्टिस में मतलब ये जरूर है कि इम्प्रूवमेंट काफी हुई थी। जैसे हम 2000 लगाते 2 किलोमीटर लगाते थे तो टाइमिंग के में इम्प्रूव हुआ, जैसे उस समय सुना था कहीं 6:04 में लगा रहे हैं, कोई 6:08 में लगा रहे थे, तो मुझे मैं वैसे ही बेस्ट करके मतलब मैं खुश थी। और जब एनआईएस का मतलब ये जैसे डिप्लोमा हमारा कंप्लीट हो रहा था और उस समय ये कहा कि भी 1500 3000 में सुमन को वहां दौड़ना है, और क्योंकि आगे के लास्ट सिलेक्शन भी ओलंपिक्स का भी टारगेट था, ओलंपिक्स में भी मतलब ये था, लेकिन ऐसा मुझे कुछ नहीं था, लेकिन ये था कि बेस्ट ही करना है बस, और कुछ नहीं था। और उसके लिए मैंने बहुत हार्ड वर्क करा, मतलब जैसे रेपिटेशन लगाया दिन में। और उसके बाद जब हम यहाँ से गए तो मैं तो सोच रही हूँ कि भी मुझे लगता है कि मेरे को भी ऐसे आइडिया नहीं है कि इतना जल्दी मेरा रिकॉर्ड टूट जाना था, कि जो मैंने टाइमिंग दिया उस समय जो जो भी टाइमिंग था शायद 10:09 का था, 9:59 का था, तो 9:59 का 9:48 दिया मैंने, और जो 1500 का भी दिया, पर मुझे लगता है कि जो प्रैक्टिस मैंने करी थी तो मुझे लगता है एग्जैक्ट उस समय मेरी रंग लाए कि जब मैंने ये टाइमिंग दिया तो उस समय मुझे लगा कि मेरी जो है एक्चुअल में जो है अब आगे की जो जर्नी है यहाँ से थोड़ी थोड़ी आसान हो जाएगी एशियन गेम्स के लिए या फ्यूचर गेम्स के लिए, जो भी मतलब कॉम्पिटिशन हमने करने थे, क्योंकि उस समय तक तो ऐसा कोई टारगेट नहीं था कि ओलंपिक में जाना है। हाँ, एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगी कि आगे सैनी सर ने भी ये जरूर कहा था, जब मैंने ये रिकॉर्ड तोड़े तो उस समय सैनी सर ने ये जरूर कहा था कि ये जो बेटी है ये हिमाचल की, लेकिन ये आने वाले समय में एशियन गेम्स में पदक जरूर लाएगी। तो
लेकिन ये उन्होंने क्यों कहा ये मुझे आज तक भी नहीं पता, क्योंकि दूर दूर तक तो हम पदक के नजदीक नहीं थे, क्योंकि बहुत टफ था 3000 और 1500 में, मींस गीता जुची मैम का रिकॉर्ड उनका बहुत टफ रिकॉर्ड था, वो तोड़ना भी मुश्किल था, और ये जो 3000 का जो रिकॉर्ड था ये भी कोई आसान रिकॉर्ड नहीं था, ये भी बहुत टफ था। 948 जो मैंने तोड़ा है या बनाया है, इट वॉज नॉट वेरी इजी। बट बोलते हैं कि जब आप विल आपकी हो और आप अगर मतलब अच्छे मतलब विल पावर के साथ दौड़े तो मुझे लगता है शायद बहुत आसान लगता है सब कुछ। अच्छा या तो इसमें जोश जोश अंदर से ही है लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा ही है। जी 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 प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना तो देखो सिर्फ जोश से भी कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मुश्किल है काम, लेकिन उसके साथ आपको ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है। आपको जो प्रैक्टिस जब कंपटीशन में कर रहे हैं तो आपको ये सिर्फ सोचना है कि मैंने अपना बेस्ट करना है, क्योंकि हार जीत तो हम आपस में सबके साथ होती है, कोई जीता है कोई हारता है, लेकिन अपना बेस्ट जो है वो करना अगर आप कर लेते हैं तो एक आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है कि आपने अपना बेस्ट किया, और कम से कम एटलीस्ट आपके लिए आगे का जो रास्ता है वो आसान हो जाता है। अच्छा। जी जब जब आप एक रेस में जाती हो तो फिर आप स्टार्टिंग लाइन में है, देन यू एवरीबॉडी इज देयर, सभी लोग हैं, तो आपके मन में क्या 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 चलता है तभी? उस समय तो बस जब मैं जैसे मैंने रिकॉर्ड तोड़ा उसके बाद तो ये लगता है कि मैं हूँ बाकी नहीं है। हालांकि सुरजीत बहुत टफ थी, मोहिंदर कौर बहुत टफ थी, मतलब सारे कॉम्पिटिटर बहुत टफ थे, लेकिन हम सब अपने मन में सोचते थे एक दूसरे को कि किसी आपस में हरा लेंगे, लेकिन हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी आपस में, मतलब बहुत अच्छा मतलब आपस में मतलब इक्वेशन अच्छी थी हमारी, हमने ट्रेनिंग साथ साथ करी, तो कंपटीशन में एक दूसरे से तो डर लगता ही है, लेकिन पर यह होता है कि हर एक कोई अपने आप को विनर ही सोचता है जब मैदान में उतरता है, मुझे लगता है। तो मैं भी अपने आप को यही सोचती थी कि मैं ही विनर हूँ, चाहे सेकंड आऊं, पर लेकिन ये लगता था कि भी इस बार मैं अपने आप को मैं फर्स्ट ही रहूंगी, तो जो फर्स्ट रहेगा तो नेचुरली अगर आप मन में ठान लो तो मुझे लगता है कई बार वो चीजें शायद क्लिक भी कर जाती है, अगर आप अच्छा। मतलब मैं ऐसे कह सकती हूँ, बाकी तो खैर लक के साथ है सब कुछ, जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम यू आर विनर, बट कोशिश हमें ये रहनी चाहिए कि हम कॉन्फिडेंस के साथ रेस दौड़े और कॉन्फिडेंस के साथ उसको जीते, और जीतना ही एम होना चाहिए हर एक का, हर खिलाड़ी का। वैसे मेरा एम था कि मैंने को तो जीतना है, बस ये था, क्योंकि उस समय ऐसा था कि हिमाचल की और कोई था भी नहीं, तो ये भी सुनने में आया कि हिमाचल की लड़की कुछ कर नहीं सकती, तो मेरे को वो भी प्रूव करना था, मतलब तो शायद हो सकता है इस वजह से मेरे को जो है और कुछ नहीं सोचता था, बस ये देखना था कि भी मेरे को फर्स्ट आना, दैट्स ऑल। जी ओके okay. तो वंदना राव जी कह रहे हैं कि यू स्टिल लुक द सेम सुमन, तो ये वंदना राव जी का जो है स्टेटमेंट यहाँ पे तो okay, और बहुत सारे लोग जुड़े हैं हमसे, हमारे साथ कोच है जिन्होंने आपका नंबर मुझे दिया, हरगोविंद सिंह संधू जी जो यूएसए में है वो इंटरव्यू सुन रहे हैं, और संजय शर्मा जी है जो आपको हेलो कह रहे हैं, विरुजा उम्मत वो आपको हेलो कह रहे हैं, शिल्पा शर्मा जी आपको हेलो कह रहे हैं। तो 1984 आपने कहा कि जोश नहीं है, लेकिन आपने आपका वेंचर जो है एथलेटिक्स का जो है और जो पोर्टफोलियो स्प्रेड कर दिया, मिडिल डिस्टेंस से आपने आप लॉन्ग डिस्टेंस में चली गई ओके, और आपने जो आपका फेवरेट एक मैराथन है रथ हाफ मैराथन 21 किलोमीटर आपने जीता 1 आवर 11 मिनट्स में, उस रेस के बारे में बताइए, बिकॉज वो काफी दिलचस्प रेस है एंड आई एम श्योर कि आपको भी बहुत वो याद है उस रेस के रेस में, बिकॉज उस रेस में आपने किसी को हराया था, जरा बताइए उस रेस के बारे में। जी नहीं ऐसा था एक्चुअली में क्या है कि 84 में, आपको अगर उससे पहले मैं ले जाऊं थोड़ा सा, 84 में जब हमारे बॉम्बे में जो ओपन नेशनल हो रहा था, तो उस समय मतलब जैसे अब होता है कि उस समय ये कहा गया कि जो मैराथन में, क्योंकि उस समय तक मैराथन में इंडिया की टीम नहीं जाती थी या इंडिया में से कोई नहीं मतलब दौड़ता भी नहीं था और नेशनल भी नहीं होते थे, तो उस समय ये कहा गया कि भी अगर मैंने वैसे तो 80 मतलब रिकॉर्ड तो मैंने 3000 में तोड़ा था, 1500 में तोड़ा था, लेकिन ये जब कहा गया कि मैराथन को में जो दौड़ेगा और फर्स्ट आएगा उसको ओलंपिक्स को ले जाएंगे, तो हमारे लिए तो बहुत आसान था कॉम्पिटिशन करना, तो हमने कहा चलो दौड़ते हैं। तो एनीवेज उस समय मैं 3000 भी दौड़ी, 15 मतलब हाफ मैराथन दौड़ी और हाफ मैराथन के बाद 1500 दौड़ी, तो मुझे लगा उस समय, हालांकि मेरे को 1500 जब मैं दौड़ी थी हाफ मैराथन के बाद,
तो रिकवरी पता नहीं कैसे हुई, मुझे नहीं पता, छाले भी पड़े हुए थे और दौड़ भी नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने ये कहा कि आके, क्योंकि एशियन ओलंपिक्स के लिए सिलेक्शन होना है तो हो सकता कहीं मिस ना हो जाए, इस वजह से शायद वो, तो उस समय इसलिए मैंने मैराथन को अटेम्प्ट करा। और जो आप बात कर रहे हैं 84 की, जो उस समय की, उस समय भी एक्चुअल में क्या है कि क्योंकि जो मेरी जो प्रैक्टिस थी वो थी ही 30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर वो होता ही था, तो 21 किलोमीटर दौड़ने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि 3000 की जब मैं प्रैक्टिस करती थी तो उस समय भी मैं डेढ़ डेढ़ दो दो घंटा करती ही थी ट्रेनिंग, चाहे स्लो करूं स्लो फास्ट करूं। हालांकि मेरे से जो साथ जो कॉम्पिटिटर जो बाकी प्लेयर्स थे बहुत टफ थे, मतलब बहुत ज्यादा टफ थे, वो ट्रेनिंग में भी बहुत टफ थे और कॉम्पिटिटर तो थे ही अच्छे, लेकिन जब मैंने, मतलब मैं हाफ मैराथन को जब मैं उतरी, तो मीन्स मैं इसलिए नहीं उतरी कि मैंने उसको विन करना है, मतलब जस्ट आप ये कह सकते हैं कि मैं इसलिए उतरी कि चलो अपना स्टेमिना भी चेक हो जाएगा, और अगर मुझे आगे 3000 के बाद, क्योंकि 3000 के पास के बाद जब मेरी, नेचुरली मैं एज भी उस समय मेरी 23 हो गई थी, तो उस समय ये था कि 23 तो कईयों की रिटायरिंग एज होती है, कोई जरूरी नहीं कि उस समय मैं, तो मेरा तो स्टार्ट ही था, तो ऐसे भी सुना था कि जितने आप एज आगे बढ़ेगी आपकी तो आपको डिस्टेंस भी बढ़ाना चाहिए, आपको थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस में आप भागेंगे तो शायद अच्छा करेंगे। तो मुझे लगता है कि उस चीज को ध्यान में रखते हैं मैंने हाफ मैराथन अटेम्प्ट करी, और जैसे मैं आपके साथ अभी बोल रही वैसे ही मैंने मैराथन बोल के दौड़ी है, और आशा को जब हराया तो आशा भी दौड़ रही थी, लेकिन आशा का तो 42 किलोमीटर था, तो हो सकता कि वो एम 42 के लिए कर रही हो, लेकिन मेरे को लगा कि मैं फर्स्ट आ गई, मतलब मुझे लगा कि, और टाइमिंग भी बहुत अच्छे आए, तो मुझे लगा कि आई कैन डू इन, मतलब अगर इससे आगे भी जाना चाहे तो मीन्स जस्ट वो अपना स्टेमिना, समझो आप ये कह सकते हैं कि स्टेमिना टेस्ट करने के लिए जो है उसको अटेम्प्ट करा, और मैंने वो ट्रेनिंग का ही पार्ट किया। अच्छा, उस टाइम में आपका जो है, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया 21 किलोमीटर्स, इट्स अ रेस, इट्स नॉट प्रैक्टिस, तो कोच साहब ने आपको क्या बताया? आई मीन कैसे, बिकॉज आपने लीड भी लिया, आपने जब जीता तो यू हैड अ ट्रेमेंडस लीड ओवर अदर्स, तो क्या था जी स्ट्रेटेजी? वो स्ट्रेटजी कोई खास नहीं था, क्योंकि आशा तो अपने आप में टॉप थी, मतलब वो तो थी अच्छी, तो उसके साथ कोई कंपटीशन नहीं कर सकती थी, लेकिन मैंने सिर्फ जो मेरे पास इंडोरेंस था बस उसको मैंने कोशिश करी कि मींस अच्छे गैप के साथ, मतलब अपने आप में सोचा कि अच्छे गैप के साथ जो है मैं एक्सेलरेट करती थी, जैसे मतलब 20, मतलब जैसे बोलते हैं जो मैराथन होती है, जो हाफ मैराथन भी होगी वो 15 के बाद स्टार्ट होती है, तो 15 के बाद जो है क्योंकि टायर्डनेस आ जाती है हर एक खिलाड़ी के में, तो मैंने अपने आप को, मतलब मेरी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा थी तो शायद मुझे वो टायर्डनेस नहीं आई, लेकिन जब मैं 1500 के 15 किलोमीटर के बाद मैंने ये देखा कि मतलब थोड़े थोड़े गैप आ रहा है, तो वहां से मैंने अपने को एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया, और एक्सेलरेट करते करते, और उस समय मेल रनर्स भी होते थे, उस समय मेल रनर क्योंकि वो भी बंच में दौड़ते, तो उनमें से, अब मुझे उस समय ध्यान नहीं है कि मतलब कुछ एथलीट आपके साथ दौड़ते तो वो आपको पेस भी मिल जाती थी उन बच्चों उन लड़कों से बॉयज से, तो जब वो पेस मुझे मिली तो मुझे लग रहा है कि उस पेस के साथ जो है मेरा एक्सेलरेशन भी, मैं भी अपने को तेज करती रही, और मुझे टाइम थकावट तो आई नहीं मुझे, अगर थकावट होती तो मैं रुक जाती, तो थकावट जब नहीं आई मुझे मैं दौड़ती गई, और मुझे लग रहा है कि जब मैंने टाइमिंग बाद में देखा तो बाद में पता चला कि ये तो अच्छा टाइमिंग आया है, मतलब 1:11 इट वॉज, मतलब बहुत अच्छा टाइम था, और उस समय मुझे लगता है कि एशियन गेम्स की वजह से शायद मैं फिट भी बहुत ज्यादा थी, मैं ये भी कह सकती हूँ, लेकिन ठीक है अगर अच्छे, मीन्स इट वॉज गुड टाइमिंग, और मुझे भी पता लग गया कि अगर मुझे मैराथन दौड़ना है तो मुझे, मैं कंपीट कर सकती हूँ ओके, मैराथन में भी बहुत जी बढ़िया। आपने एशियन गेम्स के बारे में जी बताया, जहां पे लेट्स गो टू दैट रेस, जहां पे 1986 जी आपका जो पेट इवेंट 3000 मीटर्स, आपका जो एक तो है कि स्टार्टिंग निराशा हुआ 1500 मीटर्स में, उसके बाद आप जी गई 3000 मीटर्स, क्या चल रहा था उस टाइम आपके मन में, एंड आपके कोच ने क्या कहा आपको? एक्चुअली जब हम वहां पे गए, देखो सबसे पहले तो ये हुआ कि 20 डेज पहले हम चले गए वहां, 20 डेज पहले एशियन गेम्स को गए, तो एशियन गेम्स को जब हम गए तो एशियन गेम्स में 1500 में मेरा चांस था, क्योंकि 1500 में मतलब रैंकिंग जो थी वो मेरी
थर्ड और फोर्थ, थर्ड रैंकिंग थी 1500 में और एट्थ रैंकिंग थी 3000 में। तो हम, मुझे भी ये समझ आ रहा था कि 15 में चांस है, 3000 में चांस नहीं है। तो जब हम यहां से इंडिया से गए, तो जैसे आपको पता ही है, न्यूज़पेपर में आ रहा है सुमन रावत को 2 गोल्ड, पीटी उषा को 2 गोल्ड, शाइनी को 2। पीटी उषा का तो समझ आ रहा है, लेकिन शाइनी को भी समझ आ रहा है, लेकिन हमारा तो नहीं है। लेकिन होती आदत। लेकिन मुझे ये मालूम था कि मेरे टाइमिंग के अनुसार जो मैंने टाइम दिया है, 9:36 मेरा टाइम था, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा हमारा इंटरव्यू, कि जो जब मैंने रिकॉर्ड तोड़ा, 9:48 तोड़ा, फिर 9:47 तोड़ा, फिर 36 तोड़ा, तो जब वो 9:36 के बाद जब हम इंडिया, जब हम एशियन गेम्स को गए, तो उस समय मतलब ये लग रहा था कि मेडल 15 में आ सकता, 3 में नहीं आ सकता। तो जब हम 1500 में गई मैं, तो 1500 में जब हम दौड़े रेस, तो नेचुरली सर ने कहा बेस्ट करना। तो मैंने कहा सर बेस्ट तो करना, अगर 24:30 मतलब 4:23.2, 4:23.23, बस इतना ही फर्क था। तो जो थर्ड आ गया वो आ गया। तो जब हमने रेस फिनिश करी, तो मैं फोर्थ वो थर्ड, बात खत्म होगी। एंड फिर क्या हो गया कि उष मतलब पीटी उषा वाज शी वाज माय रूममेट, लकीली लकीली शी वाज माय रूममेट। और जब मैं रूम में, मुझे जैसे आपने अमूमन सुना कि सभी जो भी खिलाड़ी होते हैं, नींद नहीं आती है, भूख भी नहीं लगती है, तो मेरे दिमाग में इतना प्रेशर था। मैं घर से ये बोल के गई थी, अपने मदर को ये बोल के गई थी कि मैं खाली नहीं आऊंगी, मैं मेडल लेके आऊंगी। लेकिन वो मेडल कैसे लेके आना है पता नहीं है मुझे। और मेरे जो हमारे जो वैद्य सर में जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स थे उस समय, टीएल वैद्य, मैंने आपको बताया, तो उनको जब मैंने, जब जाने से पहले उनको मैंने कहा, मैंने कहा सर सबको उम्मीद है बहुत ज्यादा, लेकिन मेरे को पता है कि वहां टाइमिंग इतने स्ट्रांग है कि मैं कुछ मतलब सब गोल्ड निकले, लेकिन मेरे को लगता मैं अगर ब्रॉन्ज भी लेके आऊं तो अच्छे। तो उन्होंने बोला नहीं, बोलना तो गोल्ड चाहिए। मैंने कहा सर गोल्ड आएगा ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता नहीं है। पर चलो एनीवे, जब हम वहां गए, जब हम वहां दौड़े, तो जब उषा ने, सारी रात मैं तो टाइमिंग देख रही कि कौन सा टाइम टूटेगा, कौन सा टाइम टूटेगा। तो शाइनी, उषा की जा खुली, तो उषा ने कहा व्हाई यू आर नॉट स्लीपिंग। मैंने कहा मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, मैं तो ये देख रही हूँ कि तुम तो, उषा का रोज गोल्ड आ रहे, लेकिन मैंने कहा मैं, मुझे नहीं लग रहा कि भी इसमें क्या था। तो उसने बोला आप सो जाओ एंड डू योर बेस्ट। तो ठीक है। तो जब हम मैदान में उतरे, तो हमारे टाइगर सर ने कहा कि अच्छा करना, बेस्ट करना। हाँ, उस समय बोसन सर ने, के वो बोसन थे उस समय, ब्रेकफास्ट के टाइम में उन्होंने ये जरूर कहा, सुमन आपने कल क्या गलती करी, जो गलती कल करी वो नहीं दोहराना। मींस आई वाज टेकिंग द लीड, तो 3000 में वो लीड नहीं लेनी है आपको, और तब आप जो है अपना। आई सेड ओके। तो जब, जैसे आपने कहा, आपने बीच में इंटरव्यू में कहा कि जब आप कंपटीशन में उतरते हो तो आपको कैसा लगता है, तो मैंने ये कहा कि कंपटीशन जब मैं उतरी, तो मैंने ये कहा कि मैं इसको भी हरा दूंगी, इसको भी हरा दूंगी, इसको भी, सबको हरा दूंगी, तो इसका मतलब मैंने कहा मैं तो विनर होगी। एनीवेज रेस स्टार्ट हुई, 5 चक्कर तक हम बंच में दौड़ते रहे, और जब 5 चक्कर तक बंच में दौड़े, तो मुझे लगा कि मींस 5वें नंबर पे मैं चल रही थी। और मैंने शायद उस समय भगवान से, कहते उस समय भगवान याद आता है जब आप दुख में होते हैं या जब आप दौड़ रहे होते, तो उस समय 1 मिनट के लिए जरूर आया कि मेरे को कम से कम एटलीस्ट थर्ड प्लेस तक मैं पहुंच जाऊं, मतलब उतनी मुझे ताकत दो कि मैं थर्ड तक आ जाऊं। तो आप ये देखो कि उस समय मैंने एक्सेल, मैंने ये लगा कि मुझे जो थर्ड लड़की थी वो टूटनी शुरू होगी, और मैं फोर्थ में आ गई, और फोर्थ से मैंने जो है वो रेस एक्सेलरेट करी। और जब हम 100 मीटर में पहुंचे, लास्ट 100 मीटर में, तो हमारा नेक टू नेक जो है 100 मीटर फिनिश हुआ। जब फिनिश हुआ, तो मुझे लगता आप ही हंसेंगे, तो मैंने जब रुक के टाइम देखा, तो मैं जो वहां वॉच होती है, तो मैं ये सोच रही हूं कि इंटरनेशनल लेवल में भी घड़ी रुक जाती है, बिकॉज क्योंकि वहां 9:14 टाइम आ रहा है, तो मैं ये सोच ही नहीं सकती कि 9:14 मेरा टाइम आएगा। आई सो माई टाइमिंग 9:14, मैं कहा हाउ इट इज पॉसिबल, मैं कहा पॉसिबल ही नहीं है। एनीवे फिर बाद में जब फिनिश हुआ, फिर हम डोपिंग के लिए गए, डोप से वापस आए, फिर बाद में उन्होंने कहा, जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा सुमन यू आर लकी। मैंने बोला सर क्या हुआ, बोला कि आपका जो है ब्रॉन्ज मेडल आ गया, और टाइमिंग दोनों के, पर आई वॉज लकी इनफ कि जो टाइमिंग थे वो 9:09:14.07 सेकेंड, दोनों का
वो चाइनीज थी और मेरा भी, दोनों के टाइमिंग्स दो हमारे सेम थे, और उसमें फोटो फिनिश में आई वॉज लकी इनफ कि मेरे को ब्रॉन्ज मिला और नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा, एशियन रिकॉर्ड तोड़ा और गेम्स रिकॉर्ड भी टूटा, उसमें हम तीनों चारों ने सारे रिकॉर्ड तोड़े और वहां से जो है मेरा मीन्स यू कैन से कि अर्जुन अवार्ड के लिए भी शायद उसके बाद मेरा नाम प्रपोज हुआ होगा और मुझे अर्जुन अवार्ड उसी इवेंट के बेस पे मिला। एंड यू बिकेम द फर्स्ट लेडी एथलीट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश टू विन एन अर्जुन अवार्ड। या एनी मेडल, अर्जुन अवार्ड आल्सो एन इंटरनेशनल में मेडल भी, क्योंकि हिमाचल में आपको पता है कि यहाँ पे कोई इतना ज्यादा था ही नहीं खिलाड़ी, तो शायद हो सकता है मेरे आने के बाद कुछ मोटिवेशन मिला होगा बच्चों को या उनके पेरेंट्स को कि अगर मैं कर सकती हूँ तो सभी कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। या ओके जी, बहुत बढ़िया। मैंने जब पहले कहा था आपको कि यू नो आपके आपके लाइफ के ऊपर डेफिनेटली एक मूवी बन सकता है, तो मेरा जो अगला सवाल जो है इट इज दैट क्वेश्चन, क्योंकि जो है आपके करियर में जो है बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, डाउन्स भी है अप्स भी है। टू गिव एन एग्जांपल, आप पहले गए थे हॉकी के लिए जहां पे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, देन यू लेफ्ट एवरीथिंग, देन यू स्टार्टेड एथलेटिक्स, एथलेटिक्स में भी आपका पहला नेशनल कैंप है जहां पे थोड़ा टाइम के बाद आपको यू नो यू हैड टू लीव, देन यू नो तभी भी उसके बाद एशियन गेम्स नहीं हुआ आपका, 1982 के एशियन गेम्स सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर जो है नेशनल चैंपियन इंटरस्टेट में आपका जो है एग्जाम आ गया, तो ऐसे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए थे। मुझे ये बताइए कि कैसे आपने संभाला अपने आपको, बिकॉज ये जो अप्स एंड डाउन्स अगर किसी ऑर्डिनरी इंसान के लाइफ में आता या एक ऑर्डिनरी एथलीट के लाइफ में आता वो तो छोड़ ही देता, आपने कैसे संभाला अपने आपको और आपने कैसे यू नो आगे चलकर मेडल जीता, और वो भी ये नहीं कि आपने पोर्टफोलियो भी अपना इम्प्रूव कर दिया, ये कैसे इसका क्या है आप जरा बताइए सभी को प्लीज। क्योंकि देखो ये बात मैं समझ सकती हूँ कि हमारे पेरेंट्स का, मैं सोचती हूँ मेरे ऊपर हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद रहा होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इट वॉज वेरी टफ, जब इतने जब पहला नेशनल छूटा या जैसे हमारे मेरे चांसेस मिस होते गए तो मैं इतनी टूट गई कि मैंने ये कहा कि मैंने दौड़ना ही नहीं है, मैंने खेलना ही नहीं है। तो उस समय पेरेंट्स ने मोटिवेट करा कि आपको अपने इंडिविजुअल इवेंट में दौड़ना है, इंडिविजुअल इवेंट में प्रैक्टिस करनी है, अगर आप इंडिविजुअल में प्रैक्टिस करोगे तो आप जो है अपने आप में अपना ही जोर होगा आपका और आप अपने आप में ही अपने लिए ही मतलब जीतोगे। तो मुझे लगता है कि शायद वो मतलब टूटने का इसलिए भी कोई फायदा नहीं था क्योंकि सोचने से कुछ हासिल नहीं होता है। तो मुझे लगता है मुझे हिम्मत तो रखनी थी क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स का, अपने फादर का जो है सपन पूरा करना था, उनकी जो विश थी वो उन्होंने ये उन्होंने जैसे उन्होंने कहा था कि एक दिन मेरा बेटा इंडिया के मैप में हिमाचल का नाम करेगा, तो मुझे लगता है उस चीज को मैंने बरकरार रखना था। तो मुझे लगता है कि वो ही एक स्पिरिट मैं कह सकती हूँ या वो एक मुझे लगता है कि उनका जो वरद हस्त जो मेरे मुझे आशीर्वाद के तौर पे मेरे सिर पे था और हिमाचल के सभी मुझे लगता है कि जो हिमाचल के जितनी भी जनता थी सभी का आशीर्वाद और सभी की दुआएं शायद मेरे साथ थी क्योंकि बहुत ही टफ था ऐसे मौके पे। और मुझे लगता था कि जब मेरा ओलंपिक्स भी मिस हुआ तो भी मुझे लगा कि मुझे लेकिन ऑप्शन कुछ नहीं था, और ऑप्शन तो यही है कि अगर आप हार्ड वर्क करो और हार्ड वर्क के अपने आप को प्रूव करो, एटलीस्ट कम से कम एक एग्जांपल सेट हो जाएगा कि आप हिम्मत करें तो आप सब कुछ हो सकता है। तो मुझे लगता है कि मैंने भी वही किया और जितने भी अप्स एंड डाउन्स थे उनको भूल कर ये मतलब जो अपने आप को स्ट्रांग बना के और अपने स्टेमिना को इतना बिल्ट किया जिससे मुझे लगता है कि अगर मैं किसी भी कॉम्पिटिटर के साथ दौड़ूं या किसी के साथ भी दौड़ूं तो मुझे ये ना लगे कि मैं कमजोर पड़ रही हूँ। क्योंकि शिमला में तो प्रैक्टिस होती नहीं थी, प्रैक्टिस के लिए हमें चंडीगढ़ ही जाना पड़ता था या दिल्ली जाना पड़ता था, तो मीन्स बहुत टफ था। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि अगर आप सारी चीजों को भूल जाएं और अपना सिर्फ टारगेट याद रखें तो मुझे लगता है अचीव करना बहुत इजी है। राजेश अच्छा जी? बहुत बढ़िया जी। तो प्रभाकर राव जी कह रहे हैं कि यू नो मुझे मैं आंसर देता हूँ कि आप यू नो आपने कैसे इसको यू नो ये किया, तो प्रभाकर राव जी कह रहे हैं कि आप यू नो यू आर लाइन हार्टेड, तो उसके लिए यू नो यू आर एबल टू हैंडल ऑल द अप्स एंड डाउन्स। तो आपने आपने ट्रेनिंग के बारे में बताया, अपना जो चंडीगढ़ जाना था ट्रेनिंग, तो आपका क्योंकि 1986 में आपने पोर्टफोलियो और बढ़ा दिया,
हाफ मैराथन से आपने फुल मैराथन यू नो यू वांटेड टू रन, तभी जो है यू स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स यू नो, क्योंकि शिमला में तभी विंटर का महीना था, उसके बाद आप चंडीगढ़ जाती थी, बताइए लोगों को आपका ट्रेनिंग शेड्यूल बिकॉज इट इज वेरी वेरी यूनिक, क्या क्या करती थी तभी? हाँ जी बताइए आपका ट्रेनिंग शेड्यूल, आपका जो इनोवेटिव ट्रेनिंग शेड्यूल, आप क्या क्या करती थी तभी? देखो जब एक बात हूँ, जब मैराथन के लिए भी मैं गई, मैं थोड़ा सा ऐड करूं कि जब मैराथन की प्रैक्टिस के लिए हम लोग गए, मतलब जब जैसे एड ऑन करा मैंने 42 किलोमीटर को, तो जो मैराथन होती थी वो तो विंटर में होती थी, शिमला में बर्फ पड़ जाती थी। अब आप सोचो कि शिमला में ट्रेनिंग कैसे करनी है, तो ट्रेनिंग मुझे क्या है, अब आप ये बोलो मतलब स्पॉट रनिंग बोलो, या टीवी में एक मूवी लगा देती थी और मूवी लगा के उसके बाद स्पॉट रनिंग करती थी, या फिर सेक्रेट में वहां पे जो है इवनिंग के टाइम में वहां अंदर मतलब स्टेयर्स रनिंग करनी पड़ती थी, मींस और ऑप्शन कुछ नहीं था। लेकिन ये कि अपना उस समय मेरे को तो हालांकि डर लगता था कि जब मैं यहाँ से जाती थी, लेकिन वहां पर भी हो सकता है कि जो प्लेयर्स मेरे वहां होंगे वो भी ये सोचते थे शिमला से सुमन आ रही है, समय हरा देंगे, लेकिन मैं अपने आप को इतना तैयार कर देती थी शिमला में रोड रनिंग, हालांकि रोड पे मैंने फिर साइड में ही करना शुरू करा, फिर मैं पक्के में नहीं करा उसके बाद, और मुझे लगता था क्योंकि बेयरफुट मैं दौड़ नहीं सकती थी, मैं स्पोर्ट्स शूज से ही दौड़ती थी, तो मैंने मतलब रनिंग मतलब रोड पे ही रनिंग शुरू करी, और उसके बाद मतलब अपने आप से स्टेमिना मैं समझती हूँ कि इतना ज्यादा एंड्योरेंस इतनी ज्यादा थी कि शायद मुझे लगता है कि अगर जब भी आप, अब आप देखो सैफ गेम्स में मैंने 3 मेडल जीते, तो 3 मेडल सैफ गेम्स के भी इलाहाबाद, और उसके बाद सीधा पहले पूना फिर इलाहाबाद और सीधा सैफ गेम्स। अब अगर मेरे पास स्टेमिना नहीं होता, एंड्योरेंस नहीं होता, तो मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं था। और उस समय भी जब 1500 में जीता मैंने, 3000 में जीता, तो 10,000 में पहले ही बोल दिया था मैंने कि नेशनल रिकॉर्ड बनेगा, मैं बनाऊंगी, तो मैंने नेशनल रिकॉर्ड 10,000 में भी बनाया। तो मैं समझती हूँ कि अगर हम अच्छी तरह ट्रेनिंग करें, डेडिकेटेड ट्रेनिंग करें, तो मुझे लगता है कि शायद हमारा जो बॉडी है वो आप अपना साथ देती है और आप जो है अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं। अच्छा। जी तो यहाँ पे जो है एक बात आपने बोलना आपने नहीं बोला, आपका जो एक क्रेजी ट्रेनिंग हुआ करता था जहाँ पे शिमला से चंडीगढ़ आप जाती थी, तब आप बताइए कैसे जाती थी, बताइए जरा लोगों को उनको भी, क्योंकि ये काफी दिलचस्प है, बताइए आप क्या करती थी शिमला से चंडीगढ़ आपका जो जर्नी, आप बताइए। जी हाँ बिल्कुल, वो ऐसा था कि मेरी मैरिज हो गई थी, 88 में मैरिज होगी मेरी, 88 भी मैंने ओलंपिक्स भी मिस करा हुई बीच में, क्योंकि मेरी मदर, मैं ओलंपिक कैंप में थी 88 में भी, तो उस समय भी फिर मदर भी बीमार हो गई थी, तो उनको वो भी मतलब मेरी शादी करनी पड़ी। फिर शादी के बाद नेचुरली मेरे मदर ने मेरे हस्बैंड से ये प्रॉमिस लिया कि सुमन को दौड़ नहीं छुड़ानी है, सुमन को प्रैक्टिस में आपने मदद करनी है, क्योंकि नेचुरली जो गर्ल्स कैंडिडेट होती है उनको यही होता है कि अगर आप शादी कर देंगे तो उसके बाद आपका करियर जो है वो स्टॉप ना हो जाए, तो वो डर एक पेरेंट्स को रहता है। तो मेरे हस्बैंड को ये कहा कि शादी इस तब करेंगे, मतलब शादी कर लेते हैं, क्योंकि नेचुरली उनको उनको तकलीफ थी, तो शादी के बाद जो है प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी थी, तो 3 महीना मैंने प्रैक्टिस नहीं करी, उसके बाद प्रैक्टिस मदर ने कहा कि अब मैं ठीक हूँ और तुम प्रैक्टिस करो। तो जब हम प्रैक्टिस करने जाते तो दिल्ली में कॉम्पिटिशन होता था, रथ मैराथन बोलो आप चाहे पूना मैराथन बोलो, तो हमारी जर्नी तो शिमला से दिल्ली और फिर दिल्ली से आगे जाना होता था, तो अब उसको टाइम को यूटिलाइज कैसे करें, प्रैक्टिस तो मिस हो जाती थी, तो प्रैक्टिस में क्या करना, तो फिर मेरे हस्बैंड ने क्या करना कि उन्होंने गाड़ी चलानी और मैं पूरा अपना रनिंग करती थी, तो हम यहाँ से शिमला से सोलन 42 किलोमीटर है, तो शिमला से सोलन ट्रेनिंग करना, फिर वहां गाड़ी में बैठ जाना एक्सरसाइज एक्सरसाइज करके, फिर उसके बाद वहां से फिर चंडीगढ़ जाके चंडीगढ़ में रुकना, वहां स्टे करके फिर दिल्ली को दौड़ना, प्रैक्टिस करते ही दिल्ली जाना। तो उससे क्या है, ये दो चीजें हो जाती थी, एक तो मेरी प्रैक्टिस हो जाती थी और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं हो जाता, क्योंकि अगर मैंने चंडीगढ़ में किसी के पास ठहरना है, कहाँ ठहरेंगे कहीं, तो एक्चुअली मतलब 2 दिन मतलब प्रैक्टिस खराब ना हो उसकी वजह से जो है वो प्रैक्टिस करनी हमारे लिए जरूरी होती थी। और फिर 42 किलोमीटर के लिए तो आपको पता ही है मतलब ये 30 किलोमीटर तो आम है, और जब मैं 30 तो मैं 3000 के लिए भी करती थी, तो 42 किलोमीटर मुझे
ज्यादा ही प्रैक्टिस करनी पड़ती थी अगर मुझे मेंटेन करना है उसको, उस पोजीशन को मेंटेन करना है, तो मुझे लगता है, तो पर मुझे मतलब एंजॉय, मतलब मुझे कोई टफ नहीं लगता था कि जब शिमला में भी जब लोग मतलब देखते थे मुझे दौड़ते हुए देखते थे, तो मैं मतलब वो ये कहते थे कि भी तुम्हें, मतलब हस्बैंड भी पूछते थे, कहते इतनी ज्यादा क्यों कर रहे, तो मैंने कहा यार मुझे अच्छा लगता है, मतलब 3,000 के लिए भी मैं 15-25-30 किलोमीटर, तो 22-23 तो ऐसे था ना एक टाइम, तो दो टाइम सोचो आप कितना होगा, तो माइलेज बहुत ज्यादा थे, तो डर जाते थे कई बार, तो मैं आपको मतलब जैसे रिपोर्टर्स पूछते थे मैं उनको बताती भी नहीं थी मैं, कि वो बोलते थे हाई एल्टीट्यूड में क्या जरूरत है इतनी ट्रेनिंग करने की, लेकिन मुझे था पता क्योंकि जब मैं वहां जाऊंगी तो वहां कॉम्पिटिशन अगर मैंने करना है तो मुझे तो स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। और एक बात और ऐड करूं इसमें कि मैं शौक कितना था मुझे जब मैं आरकेएमवी में गई, तो आप ये मैं शायद आपको शेयर करना चाहूंगी कि हम जैसे वॉलीबॉल भी खेलते थे, वॉलीबॉल को जब हम गए तो रात को मैंने अपनी जो फ्रेंड थी उसको पूछा टाइम, तो उसने बताया कि 5 बजने को 5 मिनट में, तो 5 बजने को 5 मिनट हम सड़क में चले गए, आप सड़क में सोचो जो आगे पुलिस वाला मिला तो वो पूछ रहा है हम, मैंने कहा ये पुलिस वाला क्या यार पिक्चर चल रही है, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि ये पिक्चर, मैंने कहा यार टाइम कुछ गड़बड़ है, तो आप सोचो कि उस समय रात के 12 बजे थे जब हम ट्रेनिंग करने जा रहे थे, तो मीन्स वो अच्छा जुनून था मेरे अंदर कि मुझे ट्रेनिंग करनी है, तो रात हो दिन हो बस ट्रेनिंग का ही स्वप्न आता था, रात हो दिन हो या पटियाला की गर्मी हो फिर भी ट्रेनिंग करते गर्मी हो। जी, थे हाँ मतलब मुझे कभी नहीं, एक्चुअली ऐसा होता है ना कि जब टारगेट आपको करना अचीव, तो अब उस समय भी प्रिंसिपल, हम डर गए, मैं बहुत डर गई जब प्रिंसिपल मैम, फिर वापस आए, वापस आके हमने सबको उठाया, हमने कहा यार तुमने तो मेरे को 12 बजे उठा दिया, फिर उसने बोला कि 12 बजे, फिर बाद में मैंने कहा प्रिंसिपल तो निकाल ही देगा हमारे को कॉलेज से, प्रिंसिपल ने बोलना कि ये लड़कियां 12 बजे कहाँ दौड़ती, फिर एक दफा मैं जब प्रिंसिपल साहब के पास गई तो उन्होंने कहा कि अरे सुमन बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो आजकल आप रात को 12 बजे ट्रेनिंग करने चल जाते, मैंने सोचा अच्छा प्रिंसिपल को भी पता चल गया तो ये वायरल पूरा हिमाचल में हुआ था उस समय, हिमाचल में पूरा, कि रात को 12 बजे अपनी फ्रेंड का, रिज में, रिज तक पहुंच गए थे हम, अगर आप शिमला में आए हो तो हम अपने कॉलेज से रिज तक प्रैक्टिस करने चले गए थे, अगर वो पुलिस वाला अच्छा नहीं बोलता कि 12 बजे तो हम शायद हम प्रैक्टिस ही करते रहते, तो मीन्स ऐसा जुनून था, तो मुझे लगता है कि अगर किसी भी एथलीट में ऐसा जुनून हो तो कोई भी, मुझे लगता काम टफ नहीं है, अच्छा इजी है बहुत ज्यादा, तो ये मतलब ट्रेनिंग थी, मतलब बाद में हस्बैंड ने मतलब काफी मोटिवेट करा, क्योंकि उसके बाद भी मैंने जैसे आपने देखा कि मैराथन में मैंने काफी कुछ अचीव करा है, और जो कि बहुत टफ था, मतलब आज लगता है टफ था लेकिन उस समय नहीं मुझे लगा टफ, कोई ज्यादा टफ अच्छा नहीं लगा मुझे। जी ओके यहाँ पे जी प्रेमा हाँ मुतैया जी ये कह रहे हैं कि आप सुपर वुमन हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकती हो, तो जो सुन रही है आपकी बात, सो जी 1991 आपकी बेटी का जन्म, ओके और विद इन 1 ईयर जी आपने जो है ऐसा ऐसा क्या बोलते हैं ना, ऐसा काम किया जहां पे इट्स अनइमेजिनेबल, 3 नेशनल और इंटरनेशनल मैराथन्स, फुल मैराथन्स इन 24 डेज। जी फुल मैराथन जी जी बताइए ये इसमें मुझे जी जी एक जी पता कि तो क्या आपने किया, आपने कहा स्टैमिना है बहुत बढ़िया, प्रैक्टिस करती हो, मुझे ये बताइए रिकवरी के लिए आप कैसे रिकवर हो गए, बिकॉज इट इज अनइमेजिनेबल, क्योंकि आप कॉम्पिटिशन दौड़ती हो तो यू नो इट्स अनइमेजिनेबल, बताइए क्या किया आपने रिकवरी के लिए तभी। नहीं, रिकवरी के लिए देखो ऐसा है कि रिकवरी में आपको अपना, जब अगर आप ये मैंने जब कंपटीशन दौड़े तो कोई ऐसे नहीं दौड़े कि भी मुझे ऐसा लग रहा कि मैं कंपटीशन, जैसे मैंने आपको बताया थे वो कंपटीशन ही, लेकिन उसको रिकवरी वैसे तो एक अमूमन बोलते हैं कि रिकवरी के लिए 30 दिन चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा स्टेमिना और मेरी जो बॉडी थी वो मतलब उसको कभी फटीक उसमें आई नहीं, फटीक आई नहीं, तो उसकी वजह से मुझे नहीं लगा कि इसको मतलब ये ठीक है रिकवरी के लिए, जैसे हम आप सुनते हैं कि भी आप जूसेस लेना चाहिए, जो भी मतलब बॉडी रिकवर के लिए आपको बहुत सारी चीजें मैंने करनी है, और रेस्ट तो चाहिए, रेस्ट फुल रेस्ट तो आपको करना ही पड़ता है, मेन तो फुल रेस्ट से ही रिकवरी आपकी होती है, लेकिन ये कि अगर आप कई मतलब कई एथलीट होते हैं जो लोड नहीं ले सकते, और जब लोड वो नहीं ले सकेंगे तो वो इतनी रेस दौड़ भी नहीं सके, लेकिन बहुत सारे आप प्लेयर आप देखे, आप बहुत सारे एथलीट आप देखे कि अगर दो कंपटीशन भी अगर वो दौड़ लेते हैं तो एक में करके दूसरे में एग्जॉस्ट ही हो जाते हैं,
लेकिन ये कि आपको अपनी बॉडी को इतना स्ट्रांग बनाना है कि आपकी रिकवरी भी साथ साथ होती रहे और आपका कॉम्पिटिशन भी साथ साथ है। मैंने जब मेरी बिटिया हुई तो उसके 3 महीना मैंने पूरा रेस्ट लिया और उसके बाद मैंने इमीडिएट प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो फिर ये लगा मुझे कि फिर मेरे हस्बैंड ने भी ये कहा कि कम से कम भाई अच्छा फिर ये भी देखो आप ससुराल में भी उन्होंने भी प्रैक्टिस मतलब वहां पर भी जैसे मेरे हस्बैंड अपना काम करते थे तो वहां पे उन्होंने कभी ससुर जी जा रहे गाड़ी लेके मेरे साथ मतलब ट्रेनिंग के लिए सब जा रहे। तो मुझे लगता है कि रिकवरी में मुझे ज्यादा समस्या नहीं हुई। पर मैंने ये आपको कहा कि जैसे अगर कोई भी खिलाड़ी है अगर वो नहीं दौड़ सकता है तो उसकी बॉडी में फटीग पता लगती है, वो दौड़ ही नहीं सकता। लेकिन मेरी बॉडी अपने आप ही साथ साथ ही रिकवर्ड हो रही थी। जैसे मैं एक कंपटीशन करती तो एक महीना जब कंपटीशन जैसे बीच में 10 दिन मुझे मिले तो 10 दिन में भी रिकवरी। आप अगर मेरा शेड्यूल उठा के देखो मेरा कंपटीशन उठा के देखो तो मैंने जैसे 8 नवंबर को 8 नवंबर को मैंने पूना मैराथन दौड़ी वो भी 21 किलोमीटर, फिर 21 किलोमीटर 19 नवंबर को दौड़ी वो भी 21 किलोमीटर, उसके बाद मैं सैफ गेम्स में दौड़ रही हूँ 1500, 3000, 10000। तो एक रिकवरी तो हर एक जगह रिक्वायर्ड है। पर मुझे लगता है कि अगर आप अपनी बॉडी को इतना स्ट्रांग बना दो और साथ साथ अपना रिकवरी रखो, रेस्ट भी साथ साथ रखो, शेड्यूल आप ऐसा बनाओ कि आपकी बॉडी जो है उस प्रैक्टिस में ही रिकवर हो जाए, तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होती आपको आगे अपना शेड्यूल जारी रखने में। और वैसे भी जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर होते हैं उनको एक हैबिट होती है कि अपना शेड्यूल जो इस तरह से बनाए, मॉर्निंग शेड्यूल, इवनिंग शेड्यूल लाइट हो और दूसरे दिन हो तो तीसरे दिन मतलब रिकवरी। तो रिकवरी अपने आप ही आपके शेड्यूल में होना जरूरी है। अगर आपकी बॉडी रिकवर नहीं होगी तो आप दौड़ ही नहीं सकते। जी तो एक्स्ट्रा कुछ रहस्य नहीं है, सिर्फ आपने कहा कि प्रैक्टिस में रिकवरी होना चाहिए, बहुत बढ़िया। तो अभी जो है अभी आगे चलकर आप उस टाइम में शेड्यूल कौन बनाता था आपके लिए? अब शेड्यूल तो देखो अपने आप ही बनाते थे क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ ट्रेनिंग करते थे तो बीच बीच में मतलब इनको भी थोड़ा आइडिया हो गया था। तो ये सैनी सर जैसे हमारे श्रीराम सिंह सर थे, बाबर सर थे, इनसे मेरे हस्बैंड जो है वो क्योंकि उनको भी ये लगता था कि सुमन कर क्या रही है, किस किस किसकी शेड्यूल कैसे कर रही है कि जो इतना टॉप में ही रहना, क्योंकि टॉप में रहना भी तो टफ था उस समय और बिटिया के बाद भी बिटिया से पहले भी। लेकिन मैं समझती हूँ कि शेड्यूल को हमने अपने आप मैनेज किया और शेड्यूल में जैसे जब आप बाबर साहब से डिस्कस करते क्योंकि उस दौरान बाबर सर और मेहता साहब मतलब हम लोग ट्रेनिंग साथ साथ ही ऑलमोस्ट करते थे तो ये जब मैं ट्रेनिंग कर रही होती तो ये श्रीराम सिंह जी के साथ सर के साथ बाबर सर के साथ और मतलब कोई ना कोई मतलब डिस्कशन करते थे कि आप क्या करा रहे हो सुमन को, तो ये बताते थे ये आप ये यकीन मतलब यकीन नहीं करेंगे। एक बार क्या है कि दिल्ली में जो जनपथ रोड है, मैं एक आपको थोड़ा किस्सा बताती हूँ कि जनपथ रोड में हम जब दिल्ली जब भी मैं मैराथन होती तो एक ट्रायल प्रैक्टिस के लिए मैं ये हम दिल्ली जाते थे और जो हिमाचल भवन मंडी हाउस से जनपथ रोड है वो 12-15-20-25 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है जहाँ पे हम लेवल रनिंग कर सकते और वहां पे हम प्रैक्टिस मतलब करने के लिए ईजी होता था। आप ये देखो कि जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो मैं मतलब जब मैं दौड़ रही हूँ तो मुझे टाइमिंग पता चल रहा है, मैं मान लेते 3 किलोमीटर मैं 1 किलोमीटर लगा रही हूँ तो मैं 4 मिनट में लगा रही हूँ, 4:10 में लगा रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड वो बोलते थे 4:30 आ रहा है, 4:30 आ रहा है, फिर मैं बोलती थी 4:10 आना चाहिए 4:30 क्योंकि मुझे तो मेरी तो ताकत लग रही है। और लेकिन वो कहते थे पर वो टाइम मुझे बताते नहीं थे, वो मुझे कम करके बताते ताकि मैं लास्ट के 5 किलोमीटर में और एफर्ट लगाऊं। तो मतलब ऐसे रोज प्रैक्टिस होती थी हमारी, आप सोचो कि मतलब वो मुझे तो बॉडी को पता लग रहा है लेकिन वो कह रहे नहीं नहीं मेरे पास टाइम ये आ रहा है। तो उस समय मैं मतलब 3-3 मिनट मतलब 3.5 मिनट में पर किलोमीटर लगा देती। तो एक दफा क्या हुआ जब हम ऐसी ही प्रैक्टिस कर रहे थे तो जब हम दौड़ रहे थे तो 30 किलोमीटर हो गया था और एक सडनली एक गाड़ी रुकी आगे मेरे हस्बैंड के गाड़ी के साथ रोका। तो उन्होंने बोला तो मैं तो आगे निकल गई, मैंने बोला अब क्या हो गया। तो जब वो आपस में बातचीत कर रहे थे तो मैंने बोला अब क्या हुआ होगा। तो फिर बाद में वहां क्या हुआ कि किरण बेदी मैम जो है वो पेट्रोलिंग करती थी तो उस समय पेट्रोलिंग करते करते उन्होंने ये देखा कि एक हफ्ते से ये लड़की रोज दौड़ रही है और ये गाड़ी में रोज इसको टीज कर रहा होगा। तो बोले उन्होंने गाड़ी रोकी
उन्होंने बोला मिस्टर मिस्टर व्हाट आर यू डूइंग, तो उन्होंने बोला कि मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो बोले ओ आई एम सॉरी आई थॉट यू आर टीजिंग हर, तो मींस मेरे या तो ये बहुत कम लोगों को क्यों बताया, मतलब ऐसा भी कई बार हमारे साथ होता है कि मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे हस्बैंड को कि यार इसका मतलब हमें तो पता नहीं था कि वो फॉलो भी करते हैं रोज, लेकिन हम तो अपना क्योंकि हम तो शिमला से दिल्ली प्रैक्टिस को गए थे, तो कई बार हमने जो रेस कोर्स के सामने से भी दौड़ना, तो कई बार वहां से प्राइम मिनिस्टर ने जाना तो हमारे को बोलते थे आप थोड़ा रुक जाओ बैक करके खड़े हो जाओ क्योंकि यहाँ से प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाना है, तो हमें लगता था यार अच्छा वीआईपी एरिया में आगे हम लोग, पर हम लोग ट्रेनिंग करते रहते थे, मीन्स हार्डशिप्स के साथ जो है हमने ट्रेनिंग करी, तो मुझे लगा नहीं कि कभी मतलब ठीक रहा, मतलब सब तो एवरीथिंग वाज गुड, तो मुझे लगा नहीं कि भी ऐसे मतलब मेरे को रिकवर नहीं हो रहा, तो शेड्यूल भी हम अपने मैं सोचती हूँ कि अपने सहूलियत के साथ ही एडजस्ट कर लेती थी, और शेड्यूल इतना अच्छा शेड्यूल बनता था कि जब हम कंपटीशन के एज पे होते थे उस समय जो है मैं 3 दिन की रिकवरी भी रहती थी, और उसके बाद जो कंपटीशन में हालांकि सबका मन जैसे बोलता मेरा भी अंदर से मन जरूर डरता था, अभी बोलने में तो बड़ा आसान लग रहा है लेकिन उस समय मेरी भी मतलब ऐसा लगता था कि भगवान पता नहीं क्या होगा, तो हम लोग कभी जब कंपटीशन भी करते थे तो यही सोचते थे पता नहीं क्या होगा था, तो कई बार सुरजीत बोलती थी कि सुमन कुछ बना 10 मिनट की तो रेस है हो जाएगी खत्म, कोई ना कोई फर्स्ट आ जाएगा, तो मीन्स कॉम्पिटिशन का जो एक फीवर होता है वो अलग होता है और जो प्रैक्टिस का फीवर होता है वो अलग होता है, दोनों सेपरेट सेपरेट होता है, तो कंपटीशन में प्रेशर बहुत होता है, तो मींस मुझे अच्छा फिर मैंने एनआईएस का कोर्स भी करा था, लेकिन कोर्स तो उस समय इसलिए किया था कि मुझे जॉब लेनी थी, लेकिन प्रैक्टिकली जो है मुझे लगता है कि शायद हम जैसे अपने एक्सपीरियंस के साथ हमने शेड्यूल बनाया, और टाइगर सर क्योंकि कैंप मैं छोड़ चुकी थी तो कैंप में टाइगर सर ने तो दिया, तो जो मेडल आया है वो तो टाइगर सर के ही मतलब उसमें, क्योंकि उस समय हमने बहुत ट्रेनिंग करी थी, लेकिन मैराथन का ये था कि भी आगे जो मेरा टारगेट था वो 240 था, उस समय अगर 243 आशा का टाइम, तो मुझे लगता है अगर वो भी टूट जाता तो शायद हम आगे कुछ और कर सकते थे, तो मींस ऐसा हमारा मतलब ट्रेनिंग शेड्यूल का ये था जो आपने पूछा। अच्छा, जी अच्छा आगे सवाल करने से पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि सिल्वराज जो है मलेशिया से आपको हेलो कह रहे हैं, और आप लोगों को मिला था वो पेनांग इंटरनेशनल मैराथन में, तो वो मलेशिया से आपको हेलो कह रहे हैं सिल्वराज पी, तो वो वो इंटरव्यू में अभी आपको हेलो कह रहे हैं। तो मेरे अपने experiences है life के जो मैं आपको बता रही हूँ, बाकी तो आई थिंक बहुत अच्छा लगा कि सभी सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है क्योंकि इनकी ब्लेसिंग सभी की ब्लेसिंग से मुझे लगता है आज हम यहाँ है, हम सब यहाँ है। तो अभी आप जब ट्रेनिंग किए थे और अभी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको कोई फर्क लग रहा है कि एनीथिंग एनी डिफरेंस इन ट्रेनिंग मेथड्स आपने देखा होगा as compared to your times? मुझे लगता है कि देखो हमारे टाइम में तो हम लोग हार्डवर्क बहुत करते थे, अब हार्डवर्क दिखता भी नहीं है, क्योंकि उस समय तो मुझे लगता है जितने भी हम खिलाड़ी जैसे मैंने बताया मैराथन रनर उस समय भी, हालांकि जो मैराथन की प्रैक्टिस करते थे वो भी शायद 15 ही दौड़ते थे उस समय भी, और आज भी जो डिस्टेंस वो फर्क तो है, क्योंकि अब फर्क भी ऐसा है कि मीन्स ट्रेनिंग बहुत शेड्यूल उनका बहुत कम है, हो सकता है कि उनके जो कोचेज है वो ये सोचते होंगे कि भी शायद इनको मतलब कम ट्रेनिंग करने से ज्यादा रिजल्ट अच्छे आते होंगे, लेकिन इस पे कमेंट करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हर एक की फिजिक और उसका स्टेमिना और उसकी मतलब उसके मतलब अपने बॉडी स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड करता है कि आप कैसी ट्रेनिंग कर रहे हो, क्योंकि ट्रेनिंग सबको भी अब जैसे बहुत प्लेयर ऐसे होते हैं कि जो हार्ड ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती उनको, वो कम ट्रेनिंग में भी अच्छा कर लेते हैं, लेकिन अब हम लोग तो उस समय तो मुझे लगता है कि रुकते ही नहीं थे, और आज मुझे लगता है प्रैक्टिस के दिखते भी नहीं है रोड, इतने ज्यादा बच्चे दिखते नहीं है, फर्क तो है, लेकिन है कि अब टाइम के साथ हर चीज चेंज होती है, तो मैं समझती हूँ कि शेड्यूल और एवरीथिंग चेंज हुआ ही है, लेकिन उस समय हमें अच्छा लगता था कि हमने ट्रेनिंग करके हार्ड ट्रेनिंग करके ही जो अचीव करा है, और इंक्लूडिंग एवरी एथलीट नॉट मी
एवरी एथलीट जिसने भी अचीव करा है, तो मुझे लगता है सबने करी है। लेकिन अब आजकल के जो ट्रेनिंग है, इंटरनेशनल कोचेस भी है, उस समय किपचोकिनो देखो वर्ल्ड क्रॉस कंट्री करा का जब हमारा सिलेक्शन हुआ तो उस समय भी किपचोकिनो केनिया के जो कोच थे, जो केनिया के वर्ल्ड चैंपियन वो थे, वो हमारे ट्रेनिंग देने आए। तो सबका ट्रेनिंग शेड्यूल तो अपना ही होता है, लेकिन वो फिर डिपेंड तो बच्चों पे ही करेगा कि वो कैसा रिजल्ट देते हैं। तो मुझे मतलब फर्क तो है अभी और तब में। उनके ट्रेनिंग से ही तो अभी अगर आप देखें तो आपका क्रॉस कंट्री का रिकॉर्ड अभी भी है, तो इट इज स्टिल देयर, यू नो द नेशनल रिकॉर्ड फॉर क्रॉस कंट्री स्टिल देयर। तो आई एम श्योर कि यू नो इट इट हेल्प। तो अर्चना जी वर्मा जी आपको मतलब हाँ, कह रही है, कह रहे कि प्राउड ऑफ यू भाभी ओ जी। वेरी गुड, हेलो, तो अच्छा अभी अभी वाह, करंटली जो है आपको कोई ऐसे चलो। एथलीट्स लग रहे हैं जो इन वुमेन यू नो मिडिल एंड लॉन्ग डिस्टेंस जो अच्छा कर पाएगी आगे चलकर, आपको ऐसा लग रहा है कोई है? हाँ, जैसे हरमिलन है, मेरे ख्याल मुझे लगता है शी इज ऑल्सो डूइंग वेल। मुझे लगता है जो उसका टाइमिंग है 4 मिनट 4 सेकंड्स है, और मुझे लगता है ये भी हमारे हिमाचल स्पोर्ट्स हॉस्टल धर्मशाला में ही ट्रेनिंग करी इसने थोड़ा टाइम, मुझे ऐसा ध्यान में आ रहा है। लेकिन शी इज ऑल्सो डूइंग, देखो एक बात है कि बच्चों को प्रैक्टिस में हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा और टारगेट के साथ करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये जैसे अभी अपकमिंग गर्ल मैंने है, तो मुझे लगता है शी कैन डू वेल। और मतलब बाकी जो एथलीट्स हैं वो भी कोशिश करते हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि सब सब दिन आपके अपने नहीं होते, सब दिन आपके अपने नहीं होते। तो लेकिन एक ही भी वो डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर कि जिस समय आप कंपटीशन करें उस समय कैसे। लेकिन मुझे लगता है कि जो जो हमारे अपकमिंग एथलीट्स है उसमें से कुछ तो है कि जो अचीव आगे आने वाले समय में जो इंडिया को मेडल दिला सकते हैं। अभी अभी जो है इंटर स्टेट चल रहा है, विच आई एम होपिंग कि ना ये जी ओलंपिक्स के लिए हाँ, फाइनल मौका है क्वालिफिकेशन के लिए। हरमिलन भी दौड़ रही है वहां पे, तो आई जी होप हाँ, कि जी वो हाँ, क्वालिफाई जी कर जी जाए। जी जी एंड क्योंकि उनकी मम्मी की हाँ, एक बड़ी बिल्कुल आशा थी उम्मीद माधुरी है। सिंह जी की कि वो ओलंपिक्स जाए, हाँ, और शी ऑल्सो लॉस्ट द जाए सेलेक्शन हाँ। बाई माइक्रो सेकेंड्स। तो वो आई होप कि उनका सपना जो है अब उनकी बेटी पूरा करे। तो जी सुमन जी जी उम्मीद बहुत है अच्छा लग रहा है। क्योंकि जी अरे बताइए, सॉरी। हाँ जी जी बिल्कुल, नहीं मेरा मतलब है कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो मदर अपने आप वो इंटरनेशनल एथलीट रही है और वो अपनी बेटी को भी एक पोडियम में देखना चाहती हैं। तो मुझे लगता है कि कई बार जब ख्वाहिशें लेना बोलते हैं ना कि आपको सपना स्वप्न लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सपन लेंगे तो ही आप उसको अचीव कर सकते हैं। अगर सपने ही नहीं लेंगे तो आप अचीव कैसे करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनकी मम्मी का भी विश जो है, हमारी बेस्ट विशेस भी उनके साथ है। आई होप जितने भी जो इंटरस्टेट में पटियाला में ट्रेनिंग, टफ टाइम फॉर देम। आज भी मैं कॉल करी थी, वहां देख रहे थे, तो मतलब तो है, तो इट इज मतलब लक के साथ भी है लेकिन टफ टाइम भी है, और जो लकी होंगे वो क्वालिफाई भी हो जाएंगे। बट ये बहुत अच्छी बात है कि उनको चांस मिल रहा है, कोरोना में भी अभी भी चांस मिल रहा है कि क्वालिफाई करने का मौका है उनके पास। तो आई मतलब हमारी सबकी जो बेस्ट विशेस है सभी एथलीट्स के साथ है जो मतलब वहां से क्वालिफाई करेंगे। और उम्मीद है हमारे को कि एक अच्छा जो अच्छी टीम जो है इंडिया से भी जो है ओलंपिक्स के लिए जो है रिप्रेजेंट करेगी। या जी अभी इट्स अराउंड 1 आवर 20 मिनट्स जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं। इट इज सच अ ओ लॉन्ग माय नाइस गॉड, नाइस अच्छा वन। टाइम ओके कैसा गया मुझे भी पता नहीं लगा। तो मैं अपने आखिरी सवाल आपको पूछता हूँ। तो आखिरी सवाल ये है सुमन जी, अगर फाइनल एडवाइस फॉर एथलीट्स जो नेक्स्ट सुमन रावत बनना चाहती है, फाइनल एडवाइस फॉर एथलीट्स क्या क्या कहोगे आप उनसे? हु वॉन्ट्स टू बिकम द नेक्स्ट सुमन रावत? जी, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आप अपना सबसे पहले अपना टारगेट बनाओ, सबसे पहले टारगेट के साथ अपना आइडियल भी जरूर चुनो कि आप किसको आइडियल बनाना चाहते हैं, और आप उसके पदचिन्हों में चलो, और जो उन्होंने अचीव करा है आप उसको अचीव करो। क्योंकि हार्ड वर्क के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी है। मेहनत अगर आप करेंगे तो सफलता आपको मिलती ही है। अगर आप अचीव करें, अचीव भी तभी करेंगे जब मेहनत करेंगे। तो मैं समझती हूँ हार्ड वर्क अगर आप करते हैं और टारगेट के साथ करते हैं, तो मुझे लगता है जो भी बडिंग प्लेयर है, अगर वो कोई भी सपना, क्योंकि मैंने इंडिया में हॉकी में सोचा था इंडिया खेलूंगी, और लेकिन एथलेटिक्स में मैं करी, तो मुझे लगता है कि स्वप्न आप लेना चाहिए
आपको अपना टारगेट बनाना चाहिए। तो अगर आप टारगेट बनाएंगे तो मुझे लगता है कि आप जरूर अचीव करेंगे, और मुझे लगता है कि अगर आप टारगेट बनाएंगे तो नशे से भी दूर रहेंगे। तो सभी को, जितने भी मेरे दर्शक हमारे हिमाचल के या इंडिया के जो भी सुन रहे हैं, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आप सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में जरूर डालो। स्पोर्ट्स से एक आपको एडवांटेज ये होता है कि एक तो आपका जो बच्चा है वो गलत रास्ते में नहीं जाता, दूसरा एक एडवांटेज होता है कि आपका नाम आपके पेरेंट मतलब आपके गांव का, आपके शहर का, और हिमाचल का मतलब अपने शहर का, सभी का नाम आप वो जो बच्चा है वो ऊंचा करता है। तो मुझे लगता है कि सभी पेरेंट्स से मैं ये गुजारिश करूंगी कि वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डाले, और जितने भी आजकल गवर्नमेंट जो है बहुत फैसिलिटीज दे रही है तो उन फैसिलिटीज को जरूर मतलब लेने का प्रयास करें, क्योंकि पहले जब पहले के जो टॉप खिलाड़ी थे तो शायद उस समय इतनी फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी जितनी आज फैसिलिटी है। तो मुझे लगता है कि अगर आप डेडिकेशन के साथ करेंगे सभी पेरेंट्स, तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं कि आपका बच्चा भी भारत का नाम ऊंचा करेगा। राजेश जी थैंक यू वेरी मच सुमन रावत जी, आप आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। टाइम कैसा गया मुझे भी पता नहीं है, जी, तो थैंक यू। जी, आप बहुत आई एम लंबा श्योर हो कि गया। बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्यून्ड इन थैंक है यू। जो आपके इंटरव्यू सुने एंड दे आर जी जी थैंकिंग अस फॉर दिस। तो आप प्लीज या स्टूडियो में बने रहिए 2 मिनट के लिए, मैं अपने ऑडियंस को थैंक यू कहना चाहता हूँ, और फाइनल मैसेज जी, टू द मैं ऑडियंस भी कुछ उन कहना सभी चाहते को बताइए। जो या मैं ये कहना चाहती हूँ जो हमको सुन रहे हैं, तो मैं उन सभी का धन्यवाद करना है, क्योंकि जो भी जैसे आपने बताया कि इंटरव्यू हो रहा है, तो नेचुरली बहुत सारे फैंस ऐसे होंगे जो आपको हमें सुन रहे होंगे, तो मुझे लगा उन सभी का बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि इंडिविजुअली नाम नहीं ले पाए हम, लेकिन मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने जो हमें सुना। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू धन्यवाद राजेश जी। ठीक धन्यवाद। आप स्टूडियो में बने है रहिए 1 सेकेंड के या लिए। थैंक यू, ओके ओके जी ओके ओके सो थैंक यू वेरी मच। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा सुमन रावत जी से बात करके, बहुत ही बढ़िया था इंटरव्यू। मुझे बहुत सारे मोटिवेशनल थिंग्स मुझे मालूम पड़ा उनके बारे में, उनके लाइफ के बारे में। नेक्स्ट वीक हम लोग और एक एथलीट को लेके आ रहे हैं, उनका नाम है रामचंद्रन जी। रामचंद्रन जी जो है 400 मीटर्स के रनर, जो परमजीत सिंह जी के साथ रनिंग किए थे। इनफैक्ट परमजीत सिंह का रिकॉर्ड जो उन्होंने ब्रेक किया था मिल्खा सिंह जी का, वो उनकी एक वजह है रामचंद्रन। और रामचंद्रन खुद भी ओलंपिक्स और एशियन गेम्स में मेडलिस्ट, ओलंपिक्स भी गए थे। तो उनका इंटरव्यू नेक्स्ट वीक सैटरडे या फ्राइडे को है, आप प्लीज जरूर ट्यून हो जाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड हैप्पी वीकेंड, थैंक्स फॉर कमिंग इन।